हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द जीडीसी लाइव। सो डियर स्टूडेंट्स, कैसा रहा आज का वीकली टेस्ट आप सभी का? क्या टेस्ट देने में मजा आया? क्योंकि ये हमारे अगस्त मंथ के सभी वीकली टेस्ट का रिवीजन टेस्ट था, तो इसलिए यहां पे आपको हर सब्जेक्ट से 12 टू 13 क्वेश्चंस देखने को मिले, जहां पे 50 क्वेश्चंस आपको कवर होते हैं। एंड अंडर द फार्माकोलॉजी आपके जो 12 क्वेश्चन आए फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी, जो आई होप आप सभी ने बिल्कुल सही सही किए होंगे। कुछ गलतियां हुई क्या? चलिए चेकआउट करते हैं कि कहां हमने मिस्टेक्स किया। पहला क्वेश्चन इस सीरीज में हमें क्या देखने को मिला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एसेंशियल मेडिसिन। अब जरा एक मिनट पहले कंफर्म करो, एसेंशियल मेडिसिन क्या होती है? एसेंशियल मेडिसिन आर दोज मेडिसिन विच आर यूज्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, दे मस्ट बी अवेलेबल एट ऑल टाइम, दे मस्ट बी सेफ, इकोनॉमिक, इन प्रॉपर डोजेस फॉर्म, सिंगल फॉर्मुलेशन। ये सारी चीजें हमने पढ़ी है ना एसेंशियल की डिफिनेशन से। हाँ जी, अब उसी से बेसिस पे ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। देखिए क्या है, These drugs satisfied the health care needs. Okay, पहला हाँ, satisfied the health needs. Government in developed countries offer tax benefit to pharmaceutical companies for developing and marketing essential medicines. नहीं, ये हमने बात किया था कि government tax benefit का relief देते हैं, खासतौर पर if any companies is manufacturing orphan drug, not for the essential drug. तो पहला तो पी सही है, क्यू गलत हो चुका हमारा। अब आगे बढ़ो, दीज ड्रग यूज टू प्रिवेंट और ट्रीट रेयर डिजीज। रेयर डिजीज यूज करने वाली ड्रग ऑर्फन ड्रग कहलाती है, ना कि एसेंशियल ड्रग, तो ये भी गलत हो गया। सिंगल ड्रग फॉर्मुलेशन मोस्टली, हाँ ये एक कंडीशन भी है कि मोस्टली, इसलिए तो हम बोलते हैं ना कि 376 हमारी सिंगल मॉइटी फॉर्मुलेशन है और 25 एफडीसी आती है, 20 एफडीसी इंडिया की बात करिएगा तो, मींस मेनली सिंगल ड्रग फॉर्मुलेशन। तो पी सही है, एस सही है, क्यू आर इनकरेक्ट है। आंसर आपने सी लगाया होगा। क्या आप सभी ने इस आंसर को किया क्या? एसेंशियल, इफेक्टिव, सेफ, सिंगल ड्रग फॉर्मुलेशन, एनवायरमेंटल फैक्टर शुड बी कंसिडर्ड, नीडेड बाय द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, मस्ट बी अवेलेबल एट एल टाइम, इन प्रॉपर डोजेस फॉर्म, एम टू ऑप्टिमली यूज द लिमिटेड रिसोर्सेज फाइनेंशियल, एंड लिस्ट ऑफ एसेंशियल ड्रग शुड बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एसेंशियल लिस्ट ऑफ WHO। यही तो हमने एसेंशियल पढ़ा था ना, बिल्कुल आपने इसको देखा होगा, ये एसेंशियल की कंडीशन फॉलो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट रिगार्डिंग ऑर्फन ड्रग। नाउ व्हाट आर द ऑर्फन ड्रग? ऑर्फन ड्रग आर दोज ड्रग विच आर यूज्ड अगेंस्ट द रेयर डिजीज और कंडीशंस। अब रेयर डिजीज, दोज डिजीज विच मेनली हैपेंस वन आउट ऑफ द 10,000, और वो हमारी रेयर डिजीज में आती है। अब ऑर्फन ड्रग की कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चन में क्या है जरा देखिएगा। एसर्शन क्या कह रहा है, दे आर द ड्रग और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ रेयर डिजीज और कंडीशन। एकदम करेक्ट जा रहे हो, रेयर डिजीज के लिए ही हमारी यूज होती है। बिकॉज दे सेटिस्फाई द हेल्थ नीड ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, बिल्कुल गलत हो गए, क्योंकि ये हमारी एसेंशियल ड्रग की डिफिनेशन आ गई। तो assertion सही है, reason incorrect है। आंसर देखिएगा, assertion is true but reason is false। यहां भी आपको सी ऑप्शन देखने को मिला होगा, किया ना? कोई गलती है क्या? नहीं होनी चाहिए। यही हमने देखा था, orphan drug after tax benefit for the pharmaceutical companies, government provide the tax relief। हमने यहां पे ट्रिक भी पढ़ा था, SRDDLZ का फैन है, सुमा ट्रिप्टन, सोडियम स्टिगोग्लुकोनेट, सोडियम थायोसल्फेट, रिफा ब्यूटिन, रिफा पेंटिन, रिटुक्सिमैब के बारे में, डिजॉक्सिन एंटीबॉडी, लियोथायोनिन की बात करेंगे, फोमेपिजॉल, नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारा यहाँ पे एम्फोटेरिसिन भी, एजासिटेडिन, निलोटेनिब, नाइट्रेट, ये हमारी ड्रग आती है। दीज आर द ड्रग विच आर मेनली रेयर डिजीज यूजिंग ड्रग, ऑर्फन ड्रग कहलाती है। सिंपल था क्वेश्चन, किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ड्रग, इनमें से ड्रग की कंडीशंस के लिए करेक्ट क्या है? चलिए जरा देखें, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मेजॉरिटी ड्रग फॉल्स अंडर द रेंज 10 to 1000 डाल्टन। बिल्कुल गलत बात है,
क्योंकि लेस देन 400 डाल्टन मेनली होना चाहिए, 500 डाल्टन के हम कंडीशंस लेके चलते हैं, यहां पे रेंज हमारा गड़बड़ हो गया है। आर केमिकल सब्सटेंस फॉरेन टू द बॉडी ऑल्सो रिफर एज द साइलेंट रिसेप्टर। अरे साइलेंट रिसेप्टर तो हमारे बॉडी में होता है ना, जिसमें हमारी ड्रग जाती है, समटाइम्स बाइंड करे ना करे ये रिसेप्टर साइलेंट रहते हैं, तो ये ड्रग की कंडीशंस तो नहीं आएगी, ये हमारी ड्रग की कंडीशंस नहीं आएगी। नाउ द थर्ड, इंडोजिनस केमिकल्स लाइक हार्मोन, ऑटोकॉइड, मेटाबोलाइट, न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड एज द ड्रग। हाँ बिल्कुल, ड्रग के रूप में हमारे हार्मोन, ऑटोकॉइड्स, मेटाबोलाइट, न्यूट्रिएंट, ये सभी हमारे जीनोबायोटिक, मींस कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आउटसाइड द बॉडी से इंटेक किया जाए वो हमारे लिए कहलाएगा क्या, ड्रग कहलाएगा। स्मॉलर मॉलिक्यूल्स 10 डाल्टन डू नॉट रेडली पास थ्रू द मेम्ब्रेन। अरे 10 डाल्टन का है तो इजिली पास हो जाएगा, यहां पे डू नॉट लिख के गड़बड़ कर दिया गया, आपसे पूछा गया था करेक्ट फॉर द ड्रग, यहां भी आपका आंसर सी ही आएगा, कुछ नहीं था, ड्रग क्या होती है सिर्फ ये पूछा गया। ड्रग आर द जीनोबायोटिक विच आर टेकन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, इट मे बी द न्यूट्रिएंट, हार्मोन, ऑटोकॉइड और एनी टाइप ऑफ द सिंथेटिक नॉन सिंथेटिक मटेरियल, दैट्स ऑल, जो हमारे बॉडी का फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस को चेंज करे। मॉलिक्यूलर वेट 100 to 1000 डाल्टन की बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल सब्सटेंस फॉर द बॉडी, दैट इज द जीनोबायोटिक, हार्मोन, ऑटोकॉइड, मेटाबोलाइट, न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड एज द ड्रग। ये कंडीशंस हमारी डायरेक्ट लाइन टू लाइन है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। नाउ द नेक्स्ट, इट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग इन मैन। जरा ध्यान से देखो क्या लिख रहा है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग इन मैन, पहले लाइन क्लियर कर लो। जब स्टडी ऑफ ड्रग की बात करेंगे दैट इज द फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी स्टडी ऑफ ड्रग, फार्माकोलॉजी फार्माकोन एंड लॉजर लॉगस, फार्माकोन मीन्स ड्रग, लॉगस मीन्स स्टडी, ड्रग की स्टडी ही कहलाएगी। लेकिन थोड़ा सा एड ऑन किया गया, इन ह्यूमन और मैन की बात हो रही है, जरा कंफर्म करना, अगर मैन की बात आ गई है, ह्यूमन की बात आ गई है तो क्लिनिकल वर्ड यूज करोगे ना, बिल्कुल, तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की बात चल रही है, आगे बढ़ो। इट इंक्लूड फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक इन्वेस्टिगेशन इन हेल्दी वॉलंटियर एज वेल एज पेशेंट। ऑब्वियसली क्लिनिकल फार्माकोलॉजी दैट इज स्टडी ऑफ ड्रग इन मैन विच इंक्लूड बोथ फार्माकोकाइनेटिक एंड डायनेमिक, वही तो कहानी थी। फार्माकोथेरेपेटिक दैट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। फार्मेसी दिस इज द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग डिस्पेंसिंग, ये सारी चीजें आती हैं। कीमोथेरेपी मींस दिस इज द ब्रांच ऑफ द फार्माकोलॉजी विच डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ द माइक्रोबियल डिजीज और कैंसरस डिजीज, दैट इज द कीमोथेरेपी। आंसर यहां पे आपका ए मिला होगा, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, पहले लाइन में ही सारा आंसर छिपा था, कुछ नहीं करना था। फार्माकोथेरेपेटिक एप्लीकेशन ऑफ द फार्माकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन टुगेदर विद द इन्वेस्टिगेशन एंड द डिजीज ट्रीटमेंट, वो हमारा आ जाता है। टॉक्सिकोलॉजी दैट इज द एडवर्स इफेक्ट, कीमोथेरेपी इन्फेक्शियस डिजीज मैलिग्नेंसी, ये आ जाती है, सिंपल था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग इज इंजेक्टेड इन टू द स्किन रेजिंग अ ब्लेब। ये लाइन देखने के बाद आपको कुछ याद आया क्या, हमने क्या बात किया था कि जब इंट्राडर्मल इंजेक्शन दिया जाता है तो वहां पे छोड़ा थोड़ा सा उभार कर दिया जाता है, उठा दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं ब्लेब फॉर्मेशन, स्किन थोड़ी सी ऐसे उठ सी जाती है, वही तो हमारा ब्लेब है। इंट्राडर्मल बीसीजी वैक्सीन दिया गया होगा अगर आपको याद हो, या हम पेनिसिलिन का एलर्जिक टेस्ट इंट्राडर्मल रूट से करते हैं, इनके बारे में हमने बात किया है क्लासेस में। और स्केरिंग मल्टीपल पंक्चर ऑफ द एपिडर्मिस थ्रू अ ड्रॉप ऑफ द ड्रग इज डन। क्या है रूट, इंट्राडर्मल एंगल 10-15 डिग्री का एंगल, दिस इज द पेरेंट्रल रूट इन विच द ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड बाय द रेजिंग अ ब्लेब कॉल्ड एज द इंट्राडर्मल। इंट्रावेनस तो सीधे वेन की बात आएगी, इंट्रा मस्कुलर लार्ज मसल्स लाइक डेल्टॉइड, ग्लूटियस मैक्सिमस, ट्राइसेप्स, सबक्यूटेनियस की बात करा जाएगा, लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, सबका एक एक लाइन का मतलब है, अगर वो पकड़ लिए तो आंसर आपका है इंट्राडर्मल। मिला ना, एंगल भी आपका सभी का पता है, इंट्राडर्मल 10-15 डिग्री एंगल। नेक्स्ट आप बात करोगे इंट्रावेनस 25 डिग्री एंगल, सबक्यूटेनियस 45 डिग्री एंगल एंड लार्जली
इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री एंगल, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट वन, वायल्स आर सप्लाइड इन एयर टाइट रबर कैप्ड इंजेक्शन। हाँ, दो चीजें होती हैं वैसे ये फार्मास्यूटिक्स का, फार्माकोलॉजी में नहीं, वायल्स एंड दूसरा हमारा एमपीओस। वायल्स मल्टीपल डोजेस होते हैं विद द रबर कैप्ड वहां पे होता है, एमपीओस दैट इज सीलिंग मेथड अप्लाई किया जाता है और सिंगल फॉर्मुलेशन होती है, सिंगल डोज होती है, करेक्ट। वायल्स आर सप्लाइड इन एयर टाइट रबर कैप्ड इंजेक्शन, सही जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। वायल्स यूजुअली कंटेन अ सिंगल डोज, ना 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 ना, एम्प्यूल्स मेनली कंटेन सिंगल डोज, वायल्स कैन हैव द मल्टीपल डोजेस। तो स्टेटमेंट टू गलत है। अब देख लीजिए, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। आंसर यहां पे आपको सी आंसर दिख गया होगा, सिंपल है, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी, नहीं इकोलॉजी का, फिर भी इतना आंसर तो आप दे ही सकते हो। एम्प्यूल्स बाय द सीलिंग मेथड मेनली हैव द सिंगल डोज, वायल्स मेनली मे बी सिंगल और मल्टीपल डोज ऑल्सो बट एयर टाइट कंटेनर, करेक्ट। Which of the following is official compendium except? Official compendium means source of information, source of drug information officially. और जब officially source of drug information की बात किया जाएगा, मैंने आपको पहले confirm किया है दो चीजें, pharmacopoeias and formulary. Pharmacopoeia may be IP, BP, USP. Formularies में hospital formularies, national formularies कुछ भी हो सकता है। While apart from this, कुछ भी जो हमने पढ़ा है, like extra pharmacopoeia, Martindale, that is non-official, physician desk reference, non-official, any software datas, non-official, अगर हम बात करेंगे कहीं से भी हमें, या हम बात करें general bulletin, books, इनसे मिलेगा non-official, तो आपसे क्या पूछा गया है? Which of the following is official compendium except? Pharmacopoeia official, formularies official, फिजिशियन डेस्क रिफरेंस नॉन ऑफिशियल, ये नॉन ऑफिशियल है तो एक्सेप्ट पूछा गया, गलत होते ही यही सही हो जाए हमारा कि फिजिशियन डेस्क रिफरेंस दैट इज नॉन ऑफिशियल, वो हमारा ऑफिशियल नहीं होता है। ऑफिशियल में फार्माकोपिया फॉर्मुलरीज, नॉन ऑफिशियल मार्टिनडेल, एफपीडीआर और ड्रग फैक्ट्स कंपेरिजन, ये सारी चीजें नॉन ऑफिशियल में आता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेमी सिंथेटिकली। नाउ The sources of drugs, और जब हम sources of drugs की बात करते हैं, plant, animal, mineral, microorganism, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी होंगी, biotechnology, अब जरा थोड़ा सा याद करिएगा। अगर मैं बात करूं hydrocodone, this is semi-synthetic derivative of the morphine, वहां से हमारा morphine से कोडोन, hydrocodone बनेगा, this is semi-synthetic. Human insulin, humulin, rDNA technology, that is the recombinant DNA technology से बनेगा। Heparin, animal source की बात करेंगे, animal source से obtained होगा। Penicillin obtained from the microorganism, क्योंकि penicillin हमारा antibiotic है, microorganism से obtained किया जाएगा। अब semi synthetic पूछा गया था, एक answer लगा दीजिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। These are the sources, plant से हमने alkaloid, glycoside बोले, thyroid, tannin, resin, ये सब देखा होगा। Animal sources में हमने insulin, heparin, muscone बात किया। Mineral source, ferrous sulfate, magnesium sulfate, lithium carbonate। Microorganism में penicillin, streptomycin, graciofulvin। Semi-synthetic, hydromorphine, hydrocodone की बात करेंगे। Synthetic derivative की बात करेंगे, aspirin, paracetamol, sulfonamide। बायोटेक्नोलॉजी में ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूमुलिन की बात किया जाएगा, ये बायोटेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो सोर्सेज ऑफ ड्रग की बात हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। नाउ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के बारे में कुछ पॉइंट्स रिकॉल करो। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन गिवेन इन टू द लार्ज मसल्स, गिवेन एट अ 90 डिग्री एंगल, दिस इज द वन ऑफ द मेथड ऑफ द पेरेंट्रल मेथड। अगर बात किया जाएगा, अभी वैक्सीन आपने कोविड में लगवाई है वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से ही दिया गया है। अब अगर इसके बारे में बात करेंगे, मेनली यहां पे हम ऑयली सॉल्यूशन दे सकते हैं, पेनफुल होता है, ये चीजें भी याद आ रही है। चलिए आइए जरा ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, इरिटेन ड्रग कैन नॉट बी इंजेक्टेड। अगर इरिटेन ड्रग की बात की जा रही है, इरिटेन ड्रग कैन नॉट बी इंजेक्टेड। देखो, इरिटेंट ड्रग हमारे ओरल रूट से इंजेक्ट नहीं होगी,
आईएम रूट से तो हम इंजेक्ट कर सकते हैं ना. सो यस, इरिटेंट ड्रग कैन बी इंजेक्टेड बाय द आईएम रूट. तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है. तो ये कैन नॉट लिखने की वजह से ये गलत हो गया. सो पी इज फॉल्स, पी इज फॉल्स. आंसर यहीं से आ गया. आगे चलो. सेल्फ इंजेक्शन इज ऑफ्टन इम्प्रैक्टिकल. अब अपने से आप आईएम तो इंजेक्शन बिल्कुल नहीं लगा सकते हो. मींस पेरेंटल तो शायद ही ले सकते हो. एक बार सबक्यूटेनियस चलो लगा लेते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन ले लिया जाता है, लेकिन आईएम रूट ना 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 बिल्कुल भी नहीं. सो हां, ऑफ्टन इम्प्रैक्टिकल है. क्यू इज ट्रू, सही जा रहे हो. ऑयली सॉल्यूशन एक्वस सस्पेंशन कैन बी इंजेक्टेड. ऑयली सॉल्यूशन हां जी दिया जा सकता है, इसीलिए तो पेनफुल होता है, यह भी ठीक है. एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इन एक्वस सॉल्यूशन इज स्लोअर. अब अगर आपकी ड्रग आईएम वाला याद करो, पाउडर अलग आता है, वाटर फॉर इंजेक्शन अलग आता है, दोनों को शेक किया जाता है, उसको एक्वस सॉल्युबल ड्रग होती है वो हमारा उसमें मिल जाता है और तभी तो इसको इंजेक्शन दिया जाता है. सो एक्वस सॉल्युबल ड्रग कैन बी इजिली एब्जॉर्ब फ्रॉम दिस. तो इसका हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इन एक्वस सॉल्यूशन इज स्लोअर, नहीं फास्टर होगा. ये गलत है, काट दीजिए. आपने अभी तक देखा पी फॉल्स, क्यू ट्रू, आर ट्रू, एस फॉल्स. यहीं से हमें आंसर मिल गया. सिंपल था, कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, एक लाइन से सारा आंसर आपको मिल जा रहा था. मिला कि नहीं? ओके, जरा देख लीजिएगा. डायरेक्ट लाइन टू लाइन, दिस ड्रग इज इंजेक्टेड लार्ज स्केलेटल मसल्स, मेनली रिचली सप्लाइड बाय द नर्व सेंसरी, वहां पे दिया जाता है. माइल्ड इरिटेंट ड्रग कैन बी इंजेक्टेड, बट इरिटेंट ड्रग कैन नॉट बी इंजेक्टेड. डिपॉट प्रिपरेशन ऑयली सॉल्यूशन सस्पेंशन कैन बी इंजेक्टेड बाय दिस रूट. इट इज लेस पेनफुल बट सेल्फ इंजेक्शन इज ऑफ्टन इम्प्रैक्टिकेबल. इसको सेल्फ इंजेक्शन से नहीं दिया जा सकता. इट इज द नेम असाइंड बाय द मैन्युफैक्चरर्स एंड इज प्रॉपर्टी और ट्रेडमार्क. किसी भी ड्रग के हमने तीन टाइप के नेम देखे थे. पहला कहलाता है अप्रूव्ड नेम, जिसको हमने जेनरिक नेम भी बोला था, ऑफिशियल नेम भी बोला था. दूसरा हमारा आता है ब्रांड नेम, नॉन ऑफिशियल, ट्रेड नेम भी कहलाता है, कंपनी नेम कहलाता है. और थर्ड हमारा आता है केमिकल नेम, आईयूपीएसी नेम, ये कहलाता है. अब आपसे पूछा गया नेम असाइंड बाय द मैन्युफैक्चरर. नेम असाइंड बाय द मैन्युफैक्चरर तो ब्रांड नेम हो गया ना, केमिकल नेम तो हमारा आईपीएससी होगा, ऑफिशियल और जेनरिक ये दोनों तो सेम ही है, ये तो हो ही नहीं सकता, कोई कंपनी इनको नेम दे ही नहीं सकती है. सो ब्रांड नेम की बात करेंगे. नॉन प्रोप्राइटरी नेम, केमिकल नेम, प्रोप्राइटरी नेम. प्रोप्राइटरी नेम की बात करेंगे, दिस इज द नेम असाइंड बाय द मैन्युफैक्चरर एंड इज हिज प्रॉपर्टी और ट्रेडमार्क, वो अपना दे सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. मींस मोस्ट कन्वीनियंट, Easiest route of drug administration, शायद आप सभी ने इसको बहुत ज्यादा यूज किया ही होगा. कभी भी कुछ होता है तो ओरल रूट ही हम सबसे पहले प्रेफर करते हैं. लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई ड्रग गैस्ट्रिक ज्यूस से डिस्ट्रॉय होती है उसको नहीं ले सकते. किसी ड्रग का अगर फर्स्ट पास मेटाबोलिज्म ज्यादा है तो ओरल रूट से नहीं ले सकते. अनपैलेटेबल ड्रग कैन नॉट बी इंजेक्टेड बाय ओरल रूट. इन इमरजेंसी कंडीशंस वी नेवर चूज द ओरल रूट. इफ अ पेशेंट इज इन द अनकॉन्सियस मोड, ओरल रूट कैन नॉट बी प्रेफर्ड. इफ एनी पेशेंट हैविंग द रिकरेंट वोमिटिंग, ओरल रूट नॉट एडवाइजेबल. तो ये सारी चीजें आपने याद किया ना प्रोज एंड कॉन्स में. अब देखो क्या है. Unpalatable drug are difficult to administer. सही जा रहे हो. Insulin can be administered by this route. No, insulin can be insulin given by the subcutaneous route. Action of drug is faster and thus suitable for the emergency. बिल्कुल गलत बात है. Not suitable for the emergency because action is slower. 30 minutes कम से कम लग जाता है action start होने के लिए. कैन बी यूज फॉर द वोमिटिंग पेशेंट, नेवर यूज फॉर द वोमिटिंग पेशेंट. अब आपसे आंसर चाहिए था, ए आंसर आ गया. अनपैलेटेबल ड्रग आर डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर्ड बाय द ओरल रूट. हम नहीं दे सकते, ओरल रूट की कहानी है. अनपैलेटेबल ड्रग लाइक पैराफिन, लाइक हम बात करेंगे नेवर बी एडमिनिस्टर्ड, मे कॉज नाउजिया वोमिटिंग. एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज वेरिएबल, स्लोअर, सो दैट्स वाई नॉट सुटेबल फॉर द इमरजेंसी कंडीशन. Cannot be used for unconscious or vomiting patient. चले last question, pharmacology section का. Preferred route of BCG, vaccine administration.
वैसे इसका आंसर तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में दे दिया था जब मैंने आपको एक रूट पढ़ाया था। आपसे ये मुझे उम्मीद है आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। बीसीजी वैक्सीन पेनिसिलिन सेंसिटिविटी टेस्टिंग आर मेनली टेस्टेड बाय विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। कमेंट ऑन द दिस वीडियो। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। दिस इज फ्रॉम माई साइड। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन जीडीसी। मैं गौतम कुमार। आज हम लोग फार्माकोगनोसी के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं जो वीकली टेस्ट में आपको आए थे। वहां पर कुछ डाउट्स थी, उन डाउट्स को आज वाली क्लास में क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। तो कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन इज द राइट सिक्वेंस ऑफ द इंटरमीडिएट इन द बायोसिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफैन इन सिक्मिक एसिड पाथवे। सिक्मिक एसिड पाथवे से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें डाउट्स थे। तो सिक्मिक एसिड पाथवे में बताइए इंटरमीडिएट इनमें से क्या है ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस के लिए। आपको पता है कि सिक्मिक एसिड पाथवे में बेसिकली एरोमेटिक्स अमाइनो एसिड की क्या होती है, सिंथेसिस होती है, जिसमें हम फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, ये तीन अमाइनो एसिड की क्या करते हैं, सिंथेसिस। आप लोगों ने पढ़ा होगा सिक्मिक एसिड पाथवेज में, है ना। तो कैसे होते हैं, सबसे पहले क्या बनते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर है जी कोरिजमिक एसिड, सिक्मिक एसिड, 3-dihydroquinic एसिड, एंथ्रानिलिक एसिड और इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट। ये आपके क्या हैं, ऑप्शन है। अब इनको आपको क्या करना है, अरेंज करना है। क्या करना है भाई, तो इसको हमें अरेंज करना है अपने अकॉर्डिंग कि यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है। तो बताइए हम लोग अगर देखें सिक्मिक एसिड पाथवे को, तो एक तो अपने पास क्या है, ये ग्लाइकोलिसिस के थ्रू भी एंटर होंगे, यानी ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस पाथवे में एंटर करेंगे, वहां पर भी क्या करेगा सिक्मिक एसिड पाथवे चलेगा। और सेकंड हम लोगों ने पढ़ा होगा या आप लोगों ने डिस्कस किए होंगे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में जब ग्लूकोज जाती है तो आगे जाकर के पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से क्या बनता है, एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट। तो पहली कंपोनेंट हमारी क्या होगी, एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट होंगे। देन क्या बनता है, तो 3-dihydroquinic एसिड, आगे और भी चीजें बनती है इसमें जो है वो है 3-dihydroquinic एसिड है एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट के बाद, यानी कि आपका फिफ्थ सही है। देन थर्ड ऑप्शन आपको मिल गए। देन आपका सिक्मिक एसिड आपका इंटरमीडिएट बनेगा, उसके बाद आपका कोरिजमिक एसिड बनते हैं, देन आपका एंथ्रानिलिक एसिड यानी कि इंटरमीडिएट है आपका। एंथ्रानिलिक से हम लोगों ने निकाला था, मैंने आपको ट्रिक्स भी याद करवाया होगा कि अनिल नाम का एक लड़का है जो ट्राई कर रहा है, क्या चीज करने का भाई, तो ये ट्राई कर रहा है, तो इन्होंने ट्राई किया फैन बेचने का, तो ट्राई फैन से हो जाता है ट्रिप्टोफैन और अनिल से हो जाता है एंथ्रानिलिक एसिड। तो ऑप्शन सी यहां पर क्या होंगे, करेक्ट होंगे, क्लियर। यहां पर ऑप्शन सी क्या होगा जी, ऑब्वियस करेक्ट होंगे। पाथवेज आपने पढ़ा होगा कि हमारा ये फॉस्फोइनोल पाइरूवेट पाथवे यहां से शुरू होती है, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट पाथवे में ही आगे जाकर के कंडेंसेशन और साइक्लाइजेशन होता है जो आगे जाकर के 3-dihydroquinic एसिड बनाते हैं, उसके बाद 3-dihydrosiccimic एसिड बनता है, आगे जाकर के सिक्मिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, देन सिक्मिक एसिड 3-फॉस्फेट बनते हैं, उसके बाद आपका ईपीएसपी यानी कि कोरिजमिक एसिड इसके बाद बनेगा, उसके बाद आगे जाकर के ये एंथ्रानिलिक एसिड के थ्रू ट्रिप्टोफैन का फॉर्मेशन करेंगे और प्रीफेनिमिक एसिड के थ्रू ये फिनाइल एलेनिन का फॉर्मेशन करेंगे और टायरोसिन का फॉर्मेशन करेंगे, क्लियर। तो ये आपका क्या है जी, पाथवेज है जो आप लोगों ने सिक्मिक एसिड पाथवे में पढ़ा होगा बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर के फर्स्ट सेमेस्टर में। और हम जीपेड के लेवल की बात करें तो यहाँ पर हमारे लिए ये पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है। चार पाथवेज आपको हैं जो बहुत अच्छे से याद रखना है, सिक्मिक एसिड पाथवे, मेवालोनेट पाथवे, मेवालोनिक एसिड पाथवे और अमाइनो एसिड पाथवे। यहां से इनके इंटरमीडिएट से क्वेश्चंस आते हैं, इनके सीक्वेंस को अरेंज करने से क्वेश्चंस आते हैं, इनका प्रिकर्सर से भी क्वेश्चंस बनते हैं कि किसकी सिंथेसिस कौन करता है। जैसे मान के चलो ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस किसने किया, तो आपको याद रखना है एंथ्रानिलिक एसिड इनके क्या हो गए, प्रिकर्सर्स हो गए। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आपके जीपैट एग्जामिनेशन में डैम्स योर आपको देखने को मिलेगा, क्लियर। तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्क्राइब 760 ड्रग्स इन 7 डिस्टिंक्ट सेट एंड ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ सर्जरी। क्वेश्चन तो यहीं से सॉल्व हो गया, फादर ऑफ सर्जरी। तो फादर ऑफ सर्जरी किनको कहा जाता है जी, तो सिंपल सा आंसर है, जल्दी से बताइए किनको कहा जाएगा, फादर ऑफ सर्जरी, जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑब्वियस सी बात है, फादर ऑफ सर्जरी क्या होता है, पिता मतलब क्या होते हैं स्टूडेंट, सस्रुता जी होते हैं। तो सस्रुता इज द फादर ऑफ सर्जरी, इन्होंने ही क्या दिया था 760 और 7 डिस्टिंक्ट ड्रग्स के बारे में डिस्कस किए थे। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सस्रुता यहाँ पर साइंटिस्ट है जिनके बारे में आपको याद रखना है, इनको फादर ऑफ सर्जरी, एज फोर सर्जरी, एक फोर एज फोर सस्रुता आपके याद रखना है। तो देखिए सस्रुता साहब क्या थे, फादर ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी,
760 को अरेंज किए थे हर्ब्स को इन 7 डिस्टिंक्ट सेट में, अलग अलग सेट में 760 मेडिसिन को क्या कहते हैं, इन्होंने अरेंज किए थे। तो आपको याद रखना है डायोस्कोराइड का फादर फार्माकोग्नोसी के हैं, सिडलर आपके फार्माकोग्नोसी टर्म्स दिए थे, थियोफ्रेस्टस फादर ऑफ बोटनी होते हैं, अरिस्टोटल फादर ऑफ जूलॉजी होते हैं, हिपोक्रेटस फादर ऑफ मेडिसिन के होते हैं, गैलेन फर्स्ट फार्मासिस्ट हैं जो एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी के फादर कहलाते हैं, बेंथम एंड हुकर प्लांट क्लासिफिकेशन को डेवलप किया था। आपको नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने आपको पिछली जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया था तो उस केस में मैंने आपको इसको बहुत अच्छे से बताया था। पेंटोसाउ जो आपके हैं जी, आपको याद रखना है, सेननुंग जो है आपको पेंटोसाउ के बारे में आपको बताया थे। आपका चराका के लिए चराका संहिता हो गया अरेंज, 50 ग्रुप्स ऑफ 10 हब्स, 10 हब्स को 50 ग्रुप्स को क्या किए थे, 10 हब्स में अरेंज किए थे। इसके अलावा हेबर लैंट है, ये प्लांट टिश्यू कल्चर के फादर होते हैं। स्टार्स एंड ऑटो जो है, ये प्रोसेस ऑफ अल्कलॉइड वॉज डेवलप, एक बार इसको देख लेंगे, ग्लाइकोसाइड को बेसिकली ये डेवलप किए थे, है ना। और महादेवा लाल स्वरूप अपना फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी कहलाते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि कौन किसके फादर कहलाते हैं, किनका क्या रोल है इन्वेंशन में, डिस्कवरी में। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी अच्छे से याद करवाया था, आज भी आपको क्या करना है, याद रखना था। फादर ऑफ सस्रुता से ही ये क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका assertion, सेकंड स्टेटमेंट आपका रीजन। पढ़ते हैं assertion। द आयुर्वेदिक ड्रग अश्वा हैज इनफिनिट पीरियड ऑफ द सेल्फ लाइफ। ऑब्वियस, इनके पास इनफिनिट पीरियड ऑफ सेल्फ लाइफ होती है, यानी ड्रग की जो लाइफ पीरियड होती है वो इन्फिनिट होती है। ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है जी, करेक्ट है। यानी जो हम आयुर्वेदिक ड्रग अश्वा की बात करते हैं तो इनकी जो लाइफ पीरियड है वो क्या है, इन्फिनिट है। ड्यूरिंग सोकिंग, सोकिंग मेथड से इनको प्रिपेयर किया जाता है। इट अंडरगोज फर्मेंटेशन, ऑब्वियस सी बात है फर्मेंटेशन में भी जाते हैं। जनरेटिंग अल्कोहल, सर ऑब्वियस सी बात है जब फर्मेंटेशन होगी तो क्या होगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। फर्मेंटेशन रिएक्शन के थ्रू क्या होते हैं भाई, तो एनारोबिक रिएक्शन है, पढ़े होंगे ना। ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या होता है, फर्मेंटेशन रिएक्शन होता है, जिससे अल्कोहल का क्या होता है, फॉर्मेशन किया जाता है। तो ड्यूरिंग सोकिंग इट अंडरगो फर्मेंटेशन, जनरेटिंग अल्कोहल, सर्व एज अ प्रिजर्वेटिव इन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट एंड द एबव स्टेटमेंट। ऑब्वियस सी बात है ये प्रिजर्वेटिव्स के रूप में अल्कोहल्स क्या होते हैं, यूज होते हैं। तो दैट्स व्हाई असर्शन एंड रीजंस बोथ आर करेक्ट, एंड आर यानी कि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। इसीलिए ये क्या है भाई, आपका options number A है ना, बिल्कुल सही मैं बता रहा हूं। options number A आप में से जिन्होंने भी लगाया है तो उनका ये answer क्या होगा, correct होगा। यहाँ पर आपका ये options क्या है जी, correct है। तो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। तो अरिस्टास क्या है जी, तो फर्मेंटेड प्रिपरेशन है, प्रिपेयर विद द हीट, हीट के थ्रू इसको प्रिपेयर किया जाता है। इट इज मोर बिकम ओल्डर, मोर इफेक्टिव दे आर इन एक्शन। तो आपको याद रखना जो अरिस्टा होते हैं, जितना ज्यादा ओल्ड होते जाएंगे, जितना ज्यादा पुराना होते जाएंगे, उतना ज्यादा इनका एक्शन मिलेगा, यानी उतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट, इनके एक्शन में उतना ज्यादा क्या होगा, इंक्रीमेंट्स होगी, यानी कि उतना ज्यादा ये और परफेक्टफुल बनेंगे, इंपैक्टफुल होंगे। अश्व की बात की जाए तो प्रोसेस बाय द सोकिंग ड्यूरिंग द पाउडर फ्रॉम द डिकॉक्शन, डिकॉक्शन प्रोसेस के थ्रू। ड्यूरिंग सोकिंग इट अंडरगोज फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन में जाएगा। अल्कोहल एंड प्रोसेस फैसिलिटेटिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कंटेन इन द ड्रग। अल्कोहल जनरेटेड ऑल्सो सर्व एज अ प्रिजर्वेटिव, इसको प्रिजर्व करके रखता है, क्योंकि अल्कोहल प्रिजर्वेटिव नेचर के होते हैं और ये प्रिजर्व होंगे। प्रिजर्व होने का मतलब सुरक्षित रहेगा, जिसके कारण इनकी लाइफ पीरियड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। प्रिजर्व करने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, प्रिजर्व करने का मतलब हुआ कि आपको बचा करके रखना, सुरक्षित रखना, यानी कि इनको संरक्षित करना है, प्रिजर्व करना है। तो ये अल्कोहल इनमें प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई ये इनका जो प्रिपरेशन होगा ना वो क्या होगा, प्रिजर्व होगा फॉर लॉन्ग टाइम, क्लियर। इसलिए इनका जो लाइफ पीरियड हो जाता है वो क्या हो जाता है, इनडेफिनिट हो जाता है, इनफिनिट हो जाता है, क्लियर। चलिए अब आते हैं यहां पर अवेला है क्या है भाई इसके बारे में। तो प्रिपेयर्ड बाय द रिपीटेडली बॉइलिंग ऑफ द डिकॉक्शन एंड एक्सट्रैक्ट ड्यूरिंग द कंडेंसिंग विद द सुगर और जैगरी। इसको हम सुगर जैगरीज के थ्रू क्या करते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शंस के थ्रू इनको हम ऑब्टेन करते हैं। अंजना वर्ती, ये आईज प्रिपरेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि अंजनी पुत्र के आंखें तेज थी, ये याद भी करवा था, ये इंपॉर्टेंट है, आईज प्रिपरेशन याद रखेंगे। अंजनी पुत्र की आईज तेज थी, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी याद करवा था। अर्का क्या है, तो लिक्विड प्रिपरेशन है, ये डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। डिस्टिलेशन आपको मालूम है कि जिससे क्या होता है, तो एक नीचे से फ्लेम दी जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जो लिक्विड होते हैं वो क्या होते हैं, एवोपरेट होते हैं। एवोपरेट होकर के उनके ड्रॉपलेट्स को हम दूसरे कंटेनर में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, और वही जो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में यानी एवोपरेशन के बाद जो हमारे पास लिक्विड आते हैं वो क्या कहलाते हैं, डिस्टिल्ड कहलाती है। तो इसको डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू क्या कहते हैं, इसी को हम डिस्टिलेशन प्रोसेस कहते हैं। भस्म में क्या है, तो पाउडर ऑफ द सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन प्रोसेस के थ्रू होगा। मेटल्स और मिनरल्स के थ्रू विद द हर्बल जूस फ्रूट एंड विच आर बर्न्ड टू पाउडर। आगे जाकर इसको हम बर्न्ड करते हैं, यानी जलाते हैं, उसके बाद इसको पाउडर यानी भस्म करना। भस्म मतलब समझ में आ गया ना, शंकर जी का भस्म आरती आपने देखा होगा महाकाल में, है ना। बस इसे से याद कर लीजिए कि उनको जलाया जाएगा,
ठीक है ना। चूरना में क्या है, फाइन पाउडर ऑफ द ड्रग, ड्रग का जो फाइन पाउडर होता है उसे हम क्या कहते हैं, चूरना कहते हैं। प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया था, यानी आपका जो वीकली टेस्ट था फार्माकोग्नोसी का उसमें आपको इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिले होंगे। क्लियर, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बल ड्रग्स हेल्पफुल फॉर स्टडिंग इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट इन द ड्रग्स। इवोल्यूशनरी का मतलब होता है कि पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, यानी कि इंटरलिंक रिलेशनशिप की स्टडी करना, है ना। इंटरलिंक रिलेशनशिप की स्टडी करना क्या कहलाता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लासेस में, आज मैं फिर से आपको रिकॉल करा देता हूं कि जैसे आरएचबीटे का 1969 में एक क्लासिफिकेशन दिए थे, किसने भाई, आरएच बीटेकर ने 1969 में क्लासिफिकेशन दिया था जिसको फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन कहा जाता है। एंड दिस दैट क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप व्हिच इज आल्सो कॉल्ड फाइलोजेनेटिक्स बेस्ड क्लासिफिकेशन। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की क्लासिफिकेशन को हम फाइलोजेनेटिक, यानी फाइलोजेनेटिक एक वर्ड यूज किया जाता है, फाइलोजेनेटिक बेस्ड क्लासिफिकेशन भी माना जाता है। किनकी क्लासिफिकेशन को, आरएच बीटेकर की क्लासिफिकेशन को। कब आया था, 1969 में। उन्होंने क्या बताया कि सबसे पहले कौन आया था, मोनेरा देन कौन आया था, प्रोटिस्टा देन कौन आया था, फंजाई देन कौन आया था, प्लांटे देन कौन आया था, एनिमलिया। ऐसे उन्होंने और क्या बताया था भाई, तो आगे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्लांट की अगर फाइलोजेनेटिक की बात की जाए, यानी कि इवोल्यूशन की बात की जाए, कि प्लांट में कौन से आए थे सबसे पहले, तो सबसे पहले थैलोफाइटा, देन ब्रायोफाइटा, देन टेरिडोफाइटा, देन जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म। तो ये जो इंटर रिलेशनशिप है बिटवीन अमंग द ऑर्गेनिजम्स, या तो उनके सेम स्पीसीज की बात की जाए, अमंग द स्पीसीज की मैं बात कर रहा हूं, तो उसको हम क्या कहते हैं जी, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पर क्लासिफिकेशन। तो यहां पर क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बल ड्रग्स हेल्पफुल फॉर स्टडिंग इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट। कौन सी क्लासिफिकेशन, बॉटेनिकल क्लासिफिकेशन क्या, नहीं जी, कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। कीमो मतलब केमिकल बेस्ड, तो केमिकल बेस्ड यहां पर ये भी ऑप्शन सही नहीं होंगे, केमिकल्स तो बिल्कुल भी नहीं होगा। कौन होगा, टैक्सोनॉमिकल, टैक्सा, टैक्सा वर्ड आपने पढ़ा होगा, टैक्सा, टैक्सोन वर्ड आपने पढ़ा होगा। टैक्सा का मतलब क्या होता है, कैटेगरीज होते हैं, टैक्सा मींस क्या होता है, कैटेगरीज होते हैं। और इनके लिए कैरोलस लिनियस ने एक टर्म्स यूज किया था, सिस्टेमेटिक्स, सिस्टेमा नेचर, उन्होंने एक बुक भी लिखा था और उसमें उन्होंने सिस्टेमेटिक्स अरेंजमेंट बताया था, यानी कि ऑर्गेनिजम्स को सिस्टमिकली क्या किए थे, अरेंज्ड किए थे, तो उसके नाम पर ही सिस्टेमा नेचर बढ़ाया था। और उसमें जो उन्होंने सिस्टमिकली अरेंज्ड किए थे वो किसके बेस पर थे, तो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन कैसे होता है सर, तो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन का चार आपने बेस पढ़ा होगा कभी ना कभी, बेसिक क्लास है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराने की कोशिश कर रहा हूं, आपको बैक सेमेस्टर में या बैक की क्लासेस में आपको ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। तो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन व्हिच इज बेस्ड ऑन टैक्सा, टैक्सा के बेस पर, यानी कैटेगरी के बेस पर, कैटेगरी मतलब सिस्टमिक अरेंजमेंट के बेस पर जो क्लासिफिकेशन की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। और सिस्टमिक अरेंजमेंट का मतलब है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी इवोल्यूशन, यानी सिस्टम्स के बेस पर, कि सबसे पहले कौन आया, देन कौन आया, देन कौन आया, देन कौन आया, देन कौन आया, ऐसे करके अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं स्टूडेंट, उसे हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। फोर बेस आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले क्या किया जाता है, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन। जैसे मान के चलो मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको मैंने बोला कि चलो इमेजिन करो कि एक 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 फोर लेग्स और वन टेल्स का एक एनिमल है, यानी एक जानवर है जिसके चार पैर है और एक पूंछ है, ठीक है ना, सबने इमेजिन कर लिया इमेजिन कर लिया आप लोगों ने, क्या मैंने बताया कि चार पैर है और एक पूंछ है, ठीक है ना, इमेजिन हो गया। अब ये क्या हुआ, कैरेक्टराइजेशन हुआ। अब सबके माइंड में सर बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं, सब अलग अलग एनिमल्स आपने कॉन्सेप्ट आपके आपने इमेजिन किया होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि वो जो एनिमल्स है वो बार्क करता है, यानी बार्किंग करता है, यानी भौंकता है। अब बताओ क्या होगा, तो ऑब्वियसली बात है सर कुत्ता होगा, भाई कुत्ते के पास ही भौंकने की प्रॉपर्टीज है ना। तो ये क्या हुआ, कैरेक्टराइजेशन, हमने आपको क्या दिया, करैक्टर्स दिया, कि करैक्टराइजेशन दिया कि फोर लेग है, वन टेल है और वो बार्किंग करता, ये उनका करैक्टर्स हुआ। तो फर्स्ट क्या हुआ, करैक्टराइजेशन, करैक्टराइजेशन के बेस पर आपने आइडेंटिफाई किया कि सर ये डॉग है, आपने उसको पहचान लिया। तो सेकंड क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन, समझना अच्छे से, यही टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन का मूड था। फर्स्ट क्या था, करैक्टराइजेशन, क्या हुआ भाई, तो करैक्टराइजेशन आपको दिया गया। सेकंड आपने उसको क्या कर लिया, आइडेंटिफिकेशन, क्या कर लिया भाई, आइडेंटिफिकेशन, आपने आइडेंटिफाई कर लिया। और आपने बोला सर ये तो डॉग है, यानी आपने उसका नॉमेनक्लेचर भी कर दिया, क्या कर दिया, नॉमेनक्लेचर भी कर दिया। अब मैं बोलता हूं भाई ये बहुत अच्छा मीठा फल देता है, बहुत अच्छा प्लांट है, बहुत खुशबूदार इसके क्या होते हैं भाई, फूल होते हैं। तो आप कहोगे नहीं सर ये प्लांट थोड़ा ना, ये तो एनिमल्स है, यानी आपने उसका क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन, कि सर ये प्लांट नहीं, क्या है, एनिमल्स है। यही है टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन, देन आइडेंटिफिकेशन, देन नॉमेनक्लेचर, देन क्लासिफिकेशन, यही
फोर वेज होते हैं और इन्हीं फोर वेज के बेस पर क्या किया गया, सिस्टमिकली अरेंज्ड किया गया ऑर्गेनिजम्स को उनके इवोल्यूशन के बेस पर। तो बताइए इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट की अगर बात की जाए ड्रग्स की तो वो कहां पर हम देखेंगे, टैक्सोनोमियल में देखेंगे। तो ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा ऑप्शन सी। थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया है ना इस क्वेश्चन पे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा हमें आपको बैक स्लाइड में लेकर के चला गया, थोड़ा सा पीछे लेकर के चला गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, टैक्सोनॉमी हो जाएगा। आई थिंक अब आपको ये डाउट नहीं होंगे, डाउट्स आपको क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा यहीं पर है पॉइंट, इन फार्माकोग्नोसी द क्रूड ड्रग आर क्लासिफाइड एज फॉलोस। फार्माकोग्नोसी में जो क्रूड ड्रग होते हैं, कच्चे ड्रग्स होते हैं, उनको अल्फाबेटिकली क्लासिफाइड करते हैं, टैक्सोनॉमिकली क्लासिफाई करते हैं। मार्फ अल्फाबेटिकल मतलब ए बी सी डी के बेस पर, टैक्सोनॉमी यानी कि आपका इवोल्यूशन के बेस पर, मॉर्फोलॉजिकल यानी कि एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज के बेस पर, फार्माकोलॉजिकल थेरापोटिकल यानी कि उनके एक्शन क्या है, कहां पर यूज होंगे, किस डिसऑर्डर को किस डिजीज को ठीक करेंगे उसके बेस पर, केमिकल यानी कौन सी केमिकल मॉइटी प्रेजेंट है उसके बेस पर, एंड कीमोटैक्सोनोमियल यानी केमिकल्स और टैक्सोनोमिक्स के बेस पर। ये क्या है, फार्माकोग्नोसी में क्रूड ड्रग को इनके बेस पर क्या किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है, जिसमें टैक्सोनोमियल क्लासिफिकेशन क्या कहती है, तो टैक्सोनोमियल क्लासिफिकेशन इज प्योरली अ बोटेनिकल क्लासिफिकेशन। बोटेनिकल मतलब आपके प्लांट से रिलेटेड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिजम्स। अमंग द ऑर्गेनिजम यानी जितने भी ऑर्गेनिजम है उनके बीच में नेचुरल रिलेशनशिप क्या है, उनके बेस पर ये क्या की जाती है, क्लासिफिकेशन की गई है। द ड्रग आर ग्रुप्ड इन किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, फाइलम, जीनस एंड स्पीसीज। यानी आपने पढ़ा होगा ना टैक्सोनोमियल हायरार्की, टैक्सोनोमियल हायरार्की कितने होते हैं, सेवन होते हैं, स्पीसीज, जीनस, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, नहीं स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ठीक है ना। फाइलम वर्ड यहां पर प्लांट के लिए यूज किया जाता है, डिवीजन वर्ड किसके लिए यूज, नहीं डिवीजन वर्ड प्लांट के लिए यूज किया जाता है, और फाइलम वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो क्या है भाई, यहां पर फाइलम यानी किंगडम डिवीजन भी यूज कर सकते हैं यहां पर ऑब्लिक में, और मैं क्या यूज कर सकते हो, डिवीजन भी, है ना। तो किंगडम हो गया, डिवीजन हो गया, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, ये आपके सेवन क्या हो गया, हायरार्की हो गया, ठीक है। स्पीसीज वन, जीनस टू, फैमिली थ्री, ऑर्डर फोर, फाइलम फाइव, किंगडम, नहीं एक मिसिंग है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, क्लास मिसिंग है भाई, मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा तो मिस्टेक है। तो ऑर्डर के बाद क्या आता है, क्लास आता है। अरे आपने पढ़ा होगा ना कि स्पीसीज होते हैं, स्पीसीज के बाद क्या होता है, ऐसे आपने पढ़ा होगा टैक्सोनॉमी हायरार्की कि सबसे पहले स्पीसीज आते हैं, उसके बाद जीनस आते हैं, उसके बाद फैमिली आते हैं, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर आते हैं, उसके बाद क्लास आते हैं, देन आपके फाइलम आते हैं, और देन आपके किंगडम आते हैं। फाइलम में क्या आता है, डिवीजन। तो आप कितना हो गया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, यही क्या है, टैक्सोनोमियल हायरार्की है। तो ये टैक्सोनोमियल हायरार्की के बेस पर एडवांटेजेस क्या है, तो टैक्सोनोमियल क्लासिफिकेशन इज हेल्पफुल फॉर स्टडिंग इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट। इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट की स्टडी करने में ये क्या होता है, हेल्पफुल होगा। डिसएडवांटेज क्या है, तो दिस सिस्टम आल्सो डज नॉट कोरिलेट द केमिकल कंसिस्टेंट या केमिकल कंसिस्टेंट के बेस पर, यानी केमिकल मॉइटीज के बेस पर, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, उनके एक्टिव ड्रग्स के बेस पर क्लासिफिकेशन, ये इनका ड्रॉबैक है। दिस सिस्टम क्लासिफाइड इज ऑल्सो क्रिटिसाइज फॉर द इट्स फेल्यूअर टू रिकॉग्नाइज द ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज नेचर ऑफ द क्रूड ड्रग। ऑर्गेनाइज ड्रग है या अनऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज मतलब एक पार्टिकुलर जो ऑर्गन से बनता है, जैसे रूट से, स्टेम से, लीफ से, आपके अगर ड्रग्स मिल रहे हैं फ्रूट से, फ्लावर से, ये जो ऑर्गन्स है प्लांट के, उनसे अगर ड्रग आप ऑप्टेन करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग का मतलब क्या हुआ सर, तो उनके जैसे गम्स हो गए, जिलेटिनियस मास, जैसे रेजिन्स वगैरह हो गए, ये सब क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड है, यानी ऑर्गन्स अदर देन ऑर्गन्स अगर आपने ऑप्टेन किया है ड्रग्स किसी प्लांट से, तो वो क्या हो जाते हैं, आपके अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के अंडर में आ जाते हैं। कहां पर आ जाते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के अंडर में एंटर कर जाते हैं। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट टाइप ऑफ स्टोमेटा। अब टाइप ऑफ स्टोमेटा का मैंने प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से ट्रिक से आपको याद करवाया था कि कितने टाइप्स के स्टोमेटा होते हैं। चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं, तो टू गार्ड सेल कवर्ड बाय द टू सब्सिडरी सेल, दो गार्ड सेल है, दो सब्सिडरी सेल है उनके चारों तरफ, अलोंग एक्सिस ऑफ विच आर पैरेलल टू द स्टोमा प्रेजेंट इन कोकालिप्स, कोकालिप्स में प्रेजेंट होते हैं, पैरेलल स्टोमेटा, पैरेलल यानी रूबिकेसियस। कैसा भाई, रूबिकेसियस स्टोमेटा, मैंने आपको याद करवाया था कि रूबी का पारा बढ़ा तो आपका रूबिकेसियस पैरासाइटिक इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो रूबिकेसियस पैरासाइटिक पैरेलल आपका यहीं पर हो गया। तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला कि सेको मत, डॉक्टर ने क्या मैंने ट्रिक दिया था कि सेको मत, तो सेस हो जाएगा सेना और कोस हो जाएगा कोका। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पैरेलल स्टोमेटा आपको मिल रहा है ना वो कैसे होंगे, तो रूबी का पारा बढ़ा यानी रूबी से रूबिकेसियस स्टोमेटा, पारा से पैरेलल स्टोमेटा, क्योंकि पैरासाइटिक इन्फेक्शन हुआ था यानी कि पैरासाइटिक स्टोमेटा, तीनों एक ही नाम है। रूबिकेसियस को ही हम पैरेलल कहते हैं, रूबिकेसियस को हम पैरासाइटिक स्टोमेटा भी कहते हैं,
क्लियर हो गया। और उन्होंने जब पारा बढ़ा तो डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए गया, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि सेको मत, यानी उसको सेको नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। पारा बढ़ना मतलब बॉडी का टेम्परेचर का बढ़ना। तो सेस हो जाएगा सेना, कोस हो जाएगा कोका, याद हो गया ना, यहाँ पर कोका है ना, तो ऑब्वियस पी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आते हैं स्टोमेटा कवर्ड बाय वेरिफाइंग नंबर ऑफ द सब्सिडरी सेल प्रेजेंट इन द बसाका। नहीं जी, बसाका में नहीं होते हैं, ठीक है ना, ये तो कैरियोफाइलस होते हैं। बसाका में कैसे होते हैं, क्रॉस सेल्ड स्टोमेटा होते हैं, ठीक है ना, कैसे होते हैं, क्रॉस सेल्ड स्टोमेटा होते हैं। तो वेरिंग नंबर ऑफ सब्सिडरी सेल वाले नहीं होंगे, क्रॉस सेल्ड स्टोमेटा जो होते हैं वो कहां पर होते हैं, बसाका पे होते हैं। मैंने आपको याद भी करवाया था ट्रिक से, अभी भी मैं आपको याद करवाऊंगा, तो ये भी नहीं सही है। आर क्या है, तो ए सर्कुलर पोर विद अ होल इन द मिडिल फॉर गैस टू एंटर और लीव द प्लांट प्रेजेंट इन स्कूल। हाँ, स्कूल में तो होते हैं, एक छोटे से होल्स होते हैं मिडिल गैस को पास करने के लिए, ये स्कूल में बिल्कुल करेक्ट है, तो आर भी सही है। टू गार्ड सेल आर कवर्ड बाय द सर्कल रेडिएटिंग सब्सिडरी सेल, सर्कल रेडिएटिंग प्रेजेंट इन द विंका। नहीं जी, रेडिएशन में तो आपका दूसरा है, आपका रोजेट टाइप के हैं, ठीक है ना, रोजेट में आपके आ जाएंगे, तो आपका एस भी गलत होगा। तो क्या सही होंगे, पी एंड आर इज द करेक्ट ऑप्शन। एम आई क्लियर, आपसे भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा, तो कौन से क्वेश्चन यहां पे सही होंगे, पी एंड आर, यहां पर ये क्या होंगे, करेक्ट आंसर होंगे, करेक्ट एक्सप्लेनेशन होंगे इस क्वेश्चन का। तो यहां पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको याद करवाया था, पारा बढ़ा रूबी का पैरासाइटिक इन्फेक्शन के कारण, डॉक्टर ने बोला सेको मत, तो सेना एंड कोका खत्म हो गया। दिया कार चला रही थी, जब वो क्रॉस कर रही थी तो क्या हुआ भाई, तो एक एक बस वाले भैया ने ठोक दिया, स्पेयर पार्ट टूट गया। कल होकर पेपर में आया कि कौन चला रहा था, तो एक मैन चला रहा था, तो यहां पर मेंथा भी मैंने याद करवाया था, मेंथा और थी मैन चला रहा था, याद करवाया था ट्रिक से, पिछले वाली क्लास देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अनोमोसाइटिक अनुमोसी रन कर रही थी इरेगुलरली, अब क्या हुआ भाई, उनके पीछे 40 कुत्ते लग गए डिजिटलिस, वो क्या बोली, बचाओ बुच्चू, लोग देख रहे थे क्लोब, उसमें ओम प्रकाश यानी ओपी देखा, ओपी भी उन्हें छुड़ाया। अब ओपी क्या था भाई, फैन था क्या चीज का भाई, अपना लोबेलिया यानी तंबाकू का, तंबाकू खूब खाता था, तो फनेल लोबेलिया खत्म हो गया। ये मैंने ट्रिक्स दिया, बाकी दूसरे ट्रिक्स भी आपके सामने है, आपके मतलब सर ने आपको दिए होंगे, पीयू सर ने। नेक्स्ट आते हैं अनिसोसाइटिक, अनिस मतलब अनिस नाम का एक लड़का था, बहुत ही क्रूशियल बिहेव होता था उसके साथ, अनइक्वल बिहेव करता था लोग उसके साथ। अब उसने क्या किया भाई, तो उसने एक विंटेज स्त्री से शादी कर लिया, विंटेज से क्या हो गया भाई, विंका स्त्री से हो जाएगा स्टामोनियम। बच्चे उनको क्या करते थे, परेशान करते थे उनके डोरबेल बजा करके, बेला डोना, तो बच्चों को वो क्या करता था, डांटता था, दतुरा। इसके अलावा याद रखना यहाँ पर हेनबेन, और उसने अपना जीविका के लिए यानी कि लाइवलीहुड के लिए क्या पालना शुरू कर दिया, पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म मतलब क्या हो गया, हेन, हेन मतलब हेनबेन, ठीक है। तो ये मैंने आपको ट्रिक्स दिया था, इन ट्रिक्स को आपको क्या करना है, फॉलो करना है, और अगर दूसरे ट्रिक्स भी अगर आपने याद किए हैं तो आपको वही ट्रिक्स याद करना है जो आपने पहली बार याद किया है, ठीक है ना। तो आपको कोई भी ट्रिक्स हो, या आपने अगर खुद से कोई ट्रिक्स बनाया हो, या तो आपको डायरेक्ट याद होता है तो डायरेक्ट भी याद कर लो, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज यहां पर दी गई है, मैं तो आपको केवल एग्जांपल से याद करवा रहा हूं, ठीक है। एक्टिनोसाइटिक यानी एक्शंस आया, यानी रेडिएशंस आया, तो एक्शन रेडिएशंस कौन भाई, तो युवा था एक्टर जो था, एक्शंस की मूवी की शूटिंग चल रही थी, किससे भाई, तो रेडिएशन से बचने का। एक्टर कैसा था, युवा, तो युवा आरसी, युवा आरसी बियर बेरी का क्या है, सिनोनिम्स है। और पीलोकार्पस, यहां पर दो है, एक पीलोकार्पस है और एक युवा आरसी, तो कैसे याद करवाए थे, तो एक्शन वाली मूवी की शूटिंग चल रही थी, एक्शन से एक्टिनोसाइटिक, जिसमें रेडिएशन से एक्टर को बचना था, और एक्टर कैसा था, युवा था, युवा हो जाएगा युवा आरसी का ही क्या है, बियर बेरी सिनोनिम्स है। और वो कैसे बच रहा था, तो पीलो से बच रहा था, कैसे भाई, पीलो से बच रहा था, पीलो से हो जाएगा पीलो कार्पस, याद कर लोगे। अब आते हैं संकीर्ण स्टोमेटा कहाँ, इफेद्रा में, आपको मालूम है इफेद्रा मतलब जहां पर स्टोमेटा बिल्कुल श्रिंक कर जाते हैं क्योंकि वाटर का लॉस ज्यादा ना हो। सर्कुलर स्टोमेटा कहाँ है, कॉल्चिकम और स्क्विल में, क्लियर हो गया, स्क्विल मतलब वही अनियन, ठीक है, समझ में आ गया। इंडियन स्क्विल, रेड स्क्विल और यूरोपियन स्क्विल, आपने पढ़ा होगा ग्लाइकोसाइड के स्टेरॉल ग्लाइकोसाइड में कैटेगरीज में, यानी जिसको हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये यह क्वेश्चंस हो गया, ठीक है ना। फार्माकोग्नोसिस सीके को काटे पेज नंबर 7.7 टू 7.8 से ये एक्सप्लेनेशन लिया गया है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैच द फॉलोइंग ट्राइकोम्स अंडर कॉलम 1 विद एग्जांपल अंडर कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या करा जी, तो दो कॉलम्स को हमें मैच करना है, ट्राइकोम्स 1 और 2 को। बताइए लिग्निफाइड, लिग्निफाइड तो लेग टूटा क्योंकि पैंथर ने लिकर पिया था, पैंथर से स्ट्रोपैंथस, याद हो गया। ट्रिक्स है इनके ट्राइकोम्स के कि लेग टूटा क्योंकि पैंथर ने क्या लिया था, लिकर लिया था, तो स्ट्रोपैंथस और लिकराइस। किसका लेग टूटा,
भूमिका चावला का, तो नक्स भूमिका। तो नक्स भूमिका में स्ट्रोपैंथस में और लिक्योराइस में कैसे ट्राइकोम्स होते हैं, लिग्निफाइड। तो हो गया ना लिग्निफाइड का एस। अब बताओ ना फर्स्ट पीपी, देखो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया एक से ही, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, ठीक है। चलिए स्टीलेट टाइप के कहां पर होंगे, तो अब आप आ जाइए हेमामेलिस में, ठीक है ना, यानी एक स्टार है हेमा मालिनी, तो स्टार होता है स्टीलेट, हेमा से हो जाएगा हेमा मालिनी से हो जाएगा हेमामेलिस, ठीक है, समझ में आ गया, ऐसे करके याद करवाए थे मैंने। फिर कैंडेलीबरा, कैंडेलीबरा यानी कि थ्री का आपका हो जाएगा, यानी कैंडल मार्च निकाले थे कहां पर, तो आसाम के थापा लोग, आसाम में एक समुदाय है, एक जिनको हम क्या बोलते हैं, एक समाज है जिनको हम बोलते हैं थापा, जैसा सरनेम होता है ना शुक्ला मिश्रा तिवारी सिंह जो भी आप लगाते हैं, तो वैसे यहाँ पर क्या है आसाम में क्या होते हैं थापा लोग होते हैं, तो कैंडेलीबरा बर्वेशम थापा यानी कैंडल्स मार्च निकाले गए थे किसके लिए भाई, किसने निकाला था भाई, तो अपने आसाम के थापा लोगों ने। और टी शेप क्या बनी थी, आर्ट बनी थी, आर्टिमिसिया बहुत ही प्यारी थी, पायरिंथ्रम, ये सब ट्राइकोम्स के हैं, तो बताइए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, समझ में आ गया। तो ट्राइकोम्स के ट्रिक्स हैं, उस ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं बहुत आसानी से, ये ट्रिक्स हैं और मैंने आपको प्रीवियस क्लास में दिया भी था, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर दिया गया है आपका कवरिंग नॉन कवरिंग में यूनिसेलुलर ट्राइकोम्स में लिग्निफाइड, तो नक्स भूमिका स्ट्रोपैंथस, लिक्योराइस भी यहां पर ऐड कर लेंगे, क्या ऐड कर लेंगे, तो लिक्योराइस, तो कैसे याद करेंगे, तो लेग टूटा क्योंकि पैंथर ने लिकर पी लिया था, किसका लेग टूटा भाई, नक्स भूमिका का। अब कहां पर, तो शॉर्ट शार्प पॉइंटेड कर्व ट्राइकोम्स, तो वो कहां पर गए, एसएसपी के पास गई, किसके पास गई, कंप्लेन लेकर के, देखो याद करवा देता हूं मैं, कहां पर गई एसएसपी यानी कि शॉर्ट एसएसपी में गई, कहां गई एसएसपी के पास, तो शॉर्ट शार्प पॉइंटेड कर्व ट्राइकोम, एसएसपी जो आपकी सिटी में बैठते हैं, तो सिटी से हो जाएगा कर्व ट्राइकोम्स। अब जब वहां पर गई तो देख क्या देखती है कि एसएसपी साहब क्या पी रहे हैं, गांजा, गांजा मतलब क्या हो जाएगा, कैनाबिस, तो अब वो कहां गई, लार्ज सिटी गई, तो लार्ज कोनिकल स्ट्रॉन्गली संकेन ट्राइकोम्स, तो पहले कहां गई शॉर्ट सिटी, शॉर्ट सिटी में गई, तो शॉर्ट सिटी से हो जाएगा, वहां पर एसएसपी क्या पी रहा था, गांजा, लार्ज सिटी गई तो वहां पर क्या देखे कि दरोगा साहब तंबाकू खा रहे हैं, लोबेलिया मतलब क्या हो गया, तंबाकू ना, समझ में आ गया। उसके बाद वो क्या की भाई, तो फिर से शॉर्ट सिटी में गई, तो वहां पर क्या देखती है कि जो दरोगा साहब थे वो चाय पी रहे हैं, किसके साथ, बच्चा जादव के साथ, तो टी बच्चू हो गया, ठीक है। अब वो क्या की, तो अपने सर को यानी कि शॉर्ट कॉनिकल वॉल्टी ट्राइकोम्स, एक मिनट, हाँ, अब लॉन्ग ट्यूबुलर फ्लैटेंड ट्विस्टेड ट्राइकोम्स, अब ये उन्होंने क्या की, अपने सर को स्ट्रॉन्गली थिक वॉल्ड ट्राइकोम्स उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्गली थिक वॉल्ड ट्राइकोम्स, याद रखेंगे स्ट्रॉन्गली थिक वॉल्ड ट्राइकोम्स, अपने सर को पटक रही थी दीवार पे, तो स्ट्रॉन्गली थिक वॉल्ड ट्राइकोम्स, उस समय कौन आए, एक संत आए, तो एरवा संता यानी संता वहां पर आ जाएगा, उन्होंने बोले क्या हुआ, तो वो बोलते हैं कि हमें हमारे साथ ऐसा किया गया, तो वो बोलते हैं कि ठीक है तुम सेना में भर्ती हो जाओ, तो वर्ती हो जाएगा वॉल्टी ट्राइकोम्स, वही शॉर्ट कोनिकल वॉल्टी ट्राइकोम्स, क्या चीज में, सेना में, तो सेना आ गया समझ में, इससे आप याद कर सकते हैं। वैसे यहां पर और भी है जी यूनिसेरिएट में, बाई मतलब दो, दो मतलब कैसे याद करेंगे, बाई बाई मीन्स क्या हुआ, तो बाई मीन्स हुआ टू, ऐसे याद करेंगे, फोनेटिक है, बाई मीन्स टू, टू मीन्स सू, सू में धतुरा, यानी दोनों सूस में क्या है, धतुरा, ऐसे याद करेंगे, बाई मीन्स टू, टू मीन्स शू, और शू में क्या है भाई, धतुरा। थ्री थ्री मतलब ट्री, ट्राई है ना, थ्री थ्री मतलब ट्री, और ट्री कौन सा भाई, संतरे का, तो संतरा से हो जाएगा आपका स्ट्रामोनियम, तो ठीक है। अब आते हैं फोर, यहाँ पर फोर है कि, तो फोर फोर यानी डोर, डोर क्या चीज का भाई, तो डिजिटल लॉकर वाली। फाइव फाइव मतलब वाइफ, और वाइफ मतलब गले की घंटी, ठीक है, ऐसे याद करना है, यानी बाई बाई सेलुलर की बात की जाए तो बाई मीन्स टू, बाई मतलब क्या होता है, दो, टू मीन्स सू, सूज कितने होते हैं, दो, और सूज में क्या रख दिए, धतुरा। थ्री थ्री यानी ट्री, ट्री क्या चीज का भाई, संतरा का स्ट्रामोनियम। फोर फोर यानी डोर, डोर कैसा, तो डिजिटल का यानी कि डिजिटलिस। फाइव फाइव मतलब वाइफ, फाइव यानी कि वाइफ, और वाइफ कैसी भाई, तो गले की घंटी यानी बेला डोना, बेल मतलब घंटी, समझ में आ गया, ऐसे याद करना है। अब आते बाई सीरियट, बाई कहां पर आती है, ऑफिस आती है कैलेंडर के अनुसार, बाई ऑफिस आती है कैलेंडर के अनुसार, तो यहां पर हो जाएगा कैलेंडुला ऑफिशियलिस। मल्टी सीरियट, मालती, मल्टी सीरियट से क्या निकालेंगे, मालती, मालती के बहुत सारे फ्रेंड थे, मेल फर्न क्या है, बहुत सारे फ्रेंड थे और सबके सब क्या थे, मेल थे, जिसमें आपको याद रखना है कि यूफोरबिया और फिलोफेरा भी है, ऐसे मेल फर्न आपका इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है ना। तो मालती के बहुत सारे फ्रेंड सबके सब मेल थे, तो मेल फर्न हो गया, तो ऐसे आपको याद रखना है। स्टीलेट यानी कि एक स्टार थी हेमा मालिनी, वो अपने पिताजी को अपने साथ रखती थी, तो पिताजी से हो जाएगा पिटेट। वो एक दिन हिमलाइट फील किए और क्या कर लिए भाई, सुसाइड कर लिए।
तो कैंडेलीबरा यानी कैंडल्स का मार्च निकाला किसने? आसाम के थापा लोगों ने, कैंडेलीबरा थापास। और टी शेप की एक आर्ट बनाई गई उनके याद में, तो यहां पर हो जाएगा टी शेप्ड में आपका ट्राइकोम्स में देखिए एग्जांपल्स दिख रहा होगा स्टूडेंट कि क्या है आर्टमीसिया और पायरेंथम जो बहुत प्यारी थी। तो ये ट्राइकोम्स का इन शॉर्ट में आपको क्या बता दिया मैंने, ट्रिक्स बता दिया, ठीक है। ऐसे ही ग्लैंडुलर है, ग्लैंडुलर में मैंने आपको बताया था कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर कैसे होते हैं, तो मैंने आपको याद करवाया था यू है ना, यानी कि आपका मल्टीसेलुलर पहले मैंने आपको क्या बताया था कि आपका हेड और स्टॉक दोनों मल्टीसेलर हो, फिर क्या हो मल्टीसेलर यूनिसेल मल्टीसेलर और सिलेंड्रिकल हो। पहले में मैंने क्या बताया था मल्टीसेलर और सिलेंड्रिकल, फिर मैंने आपको बताया था मल्टीसेलर, फिर मैंने आपको बताया था यूनिसेलर मल्टीसेलर, और फिर मैंने आपको बताया था यूनिसेलर चार टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था मासी आई क्या लेकर के गांजा, तो मल्टीसेलर हेड और स्टॉक कैसा भाई सिलेंड्रिकल, इसमें आपका क्या हो जाएगा जी कैनाबिस। तो देखिए मल्टीसेलर और सिलेंड्रिकल यहाँ पर दिख रहा है पांचवें नंबर पे, मल्टीसेलर और सिलेंड्रिकल, तो क्या लेकर के आए गांजा यानी कैनाबिस, क्लियर हो गया। फिर मामा जी आए, तो मामा जी को बच्चों ने क्या बोला, मामा सीट यानी बैठो, एस आई टी। तो मामा से देखिए मल्टीसेलर एंड मल्टीसेलर हेड और स्टॉक दोनों क्या है मल्टीसेलर। छठवें नंबर पे आइए, बच्चों ने क्या बोला सीट, सीट से हो जाएगा सनफ्लावर, आई से हो जाएगा इंडियन हेम्प, क्या हो जाएगा इंडियन हेम्प, और टी से हो जाएगा आपका टोबैको, क्या हो जाएगा टोबैको मामा सीट, ये आपका हो गया। फिर बोलता है बमाल निकालो कहां से लाए हो गांजा वांजा, तो मामा ने कुछ नहीं दिया, ये बात किसने सुन ली उनकी मम्मा जिनका नाम क्या था उमा, यानी यूनिसेलर मल्टीसेलर। तो अब अपन आते हैं यूनिसेलर मल्टीसेलर, उसने क्या लगाई 40 थप्पड़ डिजिटलिस थापसी, और तो देखिए यूनिसेलर और मल्टीसेलर उमा है ना, समझ में आ गया, यूनिसेलर हेड होगा मल्टीसेलर स्टॉक होगा, ये हेड और स्टॉक के बेस पर है, डिटेल में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। मैं तो बस आपको ट्रिक्स दे रहा हूं और आपको बस रिकॉल करा रहा हूं। तो क्या है भाई उमा ने क्या लगाई 40 थप्पड़, तो डिजिटलिस थापसी, और क्या बना दी बैल बना दी, पनिशमेंट में क्या दी बैल बना दी। तो बच्चे क्या बोलते हैं मम्मा को, मम्मा यू पुर्रे, तो यू से हो जाएगा यूनिसेलर, यूनिसेलर यानी हेड भी यूनिसेलर स्टॉक भी यूनिसेलर, पुर्रे से हो जाएगा परपूरिया यानी डिजिटलिस परपूरिया। ऐसे करके हमें क्या करना है याद रखना है ट्रिक्स के थ्रू, ठीक है। बाकी आपका भाई है शॉर्ट स्टॉक विद अ स्क्रिटिंग हेड, इसमें आपको मेंथा याद रखना है, मेन का जो हेड अच्छा होता है और उनको रोज देना पसंद आता है, तो रोजेट में आपका आ जाएगा और हेड आ जाएगा बड़ा, ये मेंथा स्पीसीज हो जाएगा। मल्टीसेलर हेड मल्टीसेलर बाइसरियट स्टॉक आपका सनफ्लेयर जो मैंने आपको अभी बताया वो उसी में याद कर लेना, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब आता है हाइड्रेथ्रोट्स आर द ग्लैंड ऑफ सेक्रेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन डेवलप इन सर्टन प्लांट, सर्टन प्लांट में आपको ये देखने को मिलता है जैसे पीपर बिटल्स वगैरह में देखने को मिलते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, मैंने इन शॉर्ट में स्टूडेंट बहुत शॉर्ट टाइम में आपको मैंने ट्रिक्स बता दिया, ठीक है ना। हालांकि इसको बहुत अच्छे से डिटेल में अपन पहले कभी मतलब अपन पढ़ेंगे फिर कभी, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मैच द फॉलोइंग अंडर अल्टरनेटिव सिस्टम कॉलम वन विद द प्रिंसिपल अंडर कॉलम टू एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सब हमें दो ऑप्शंस चूज करना है, बताए ना आयुर्वेदिक का प्रिंसिपल क्या है, तो आयुर्वेदिक का प्रिंसिपल तो त्रिदोषा थ्योरी है क्या, तो वन का क्यू देखिए कहां पर आ रहा है, वन का क्यू बिल्कुल सही है। चलिए होम्योपैथिक्स क्या कहता है भाई, तो लॉ पोटेंशियलाइजेशन, यस 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 यस, तो लॉ ऑफ पोटेंशियलाइजेशन का लॉ किसने दिया था होम्योपैथिक, तब बताइए ऑप्शन वन सही होगा क्या, सॉरी ऑप्शन टू होगा क्या, वन का क्यू, हाँ बन गया बिल्कुल 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 सही है क्या। सिद्धा का क्या है भाई, तो सिद्धा का आपका हो जाएगा परफेक्शन इन लाइफ ऑफ हेवनली ब्लिस, और यूनानी का आपका हो जाएगा हिपोक्रेटिक थ्योरी, ठीक है। तो ये तो बस थ्योरी से रिलेटेड है कि कौन किसने किसका प्रिंसिपल दिया था कब दिया था, उससे रिलेटेड आपको पॉइंट याद रखना है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि आयुर्वेदा में आपका त्रिदोषा दोष वगैरह आपने पढ़ा होगा, तो यूनानी सिस्टम में क्या है हिपोक्रेटिक थ्योरी है आपका, पैथोगोरियन थ्योरी है, होम्योपैथिक सिस्टम में आपका क्या है लॉ ऑफ सिमिलर्स, लॉ ऑफ प्रोबिंग्स, लॉ पोटेंटाइजेशन, सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क्या है तो परफेक्शन इन लाइफ और हेवनली ब्लिस, आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क्या है तो पंच महाभूता थ्योरी, त्रिदोषा थ्योरी, ये सब आपको इसके अंडर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, फिनाइल एलेनिन अ प्रिकर्सर ऑफ मोस्ट ऑफ द फिनोलिक्स इन हायर प्लांट इज अ प्रोडक्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पाथवे, फिनाइल एलेनिन सिक्केमिक एसिड पाथवे, मैलोनिक एसिड पाथवे, मेवालोनिक एसिड पाथवे और मिथाइल इरिथ्रोल पाथवेज। तो बताइए अभी फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोगों ने शायद फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन ही सॉल्व किया था ना, कि फिनाइल एलेनिन टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन ये तीनों एरोमेटिक अमीनो एसिड का सिंथेसिस होता है कौन से पाथवे के थ्रू, तो सिक्केमिक एसिड पाथवे के थ्रू सर होता है, क्लियर हो गया।
तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? इसमें तो सबको आंसर आ गया होगा, सिकेमिक एसिड पाथवे अगर आपने पढ़ा होगा, उसको याद किया होगा, उसको समझा होगा, तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे। और बिल्कुल याद रखना है कि सिकेमिक एसिड पाथवे में आपको तीन अमीनो एसिड मिलते हैं, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए, ये आपको फॉस्फोइनोल पाइरूवेट से पाथवे शुरू होता है, थ्री डिहाइड्रोक्विनोन एसिड बनते हैं, फिर थ्री डिहाइड्रोसिकेमिक एसिड बनते हैं, जो आगे जाकर के सिकेमिक एसिड एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है, ये आगे जाकर के सिकेमिक एसिड थ्री फॉस्फेट बनाते हैं, जो आगे जाकर कोरजिमिक एसिड, उसके बाद एंथ्रानिलिक एसिड, एंथ्रानिलिक एसिड आगे जाकर के ट्रिप्टोफैन का फॉर्मेशन करता है, और प्रोफेनिमिक एसिड आगे जाकर के फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन का फॉर्मेशन करते हैं। तो तीन अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन होता है, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन, कौन से पाथवे के थ्रू? सिकेमिक एसिड पाथवे के थ्रू, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट हेयरी रूट कल्चर? हेयरी रूट कल्चर्स के से रिलेटेड आपको यहां पर एक स्टेटमेंट आपको बताना है जी। प्लांट कल्चर कंसिस्ट ऑफ हाईली ब्रांच्ड रूट कवर्ड विद अ मास ऑफ टाइनी रूट हेयर ओरिजिनेटेड डायरेक्टली फ्रॉम द एक्स प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स इन्फेक्शन। Which of the following is the true about hairy root culture? Hairy root culture में बिल्कुल ये statement सही है कि जो plant culture होता है वो highly branched root होंगे, covered होंगे mass of the tiny root hairs से, यानी root hairs होते हैं जो आपको मालूम है explant पे होते हैं, यानी जो आपका आपने पढ़ा होगा ना कि रूट के अलग अलग एरिया आपने पढ़ा होगा, जोन ऑफ मैच्यूरेशन, हाँ जी, जोन ऑफ मैच्यूरेशन, जोन ऑफ मैच्यूरेशन होता है, जोन ऑफ इलोंगेशन होते हैं, रूट कैप्स होते हैं, यही होता है क्या, रूट कैप्स होता है, देन मेरिस्टेमेटिक होते हैं, हाँ, पहला होता है रूट कैप, देन मेरिस्टेमेटिक, देन आपका होता है जोन ऑफ इलोंगेशन, देन होता है आपका जोन ऑफ मैच्यूरेशन। आपने इस टाइप से रूट पढ़ा होगा, तो ये आपका ये रूट्स होते हैं, तो ये आपका क्या होता है जोन ऑफ मैच्यूरेशन, ये होता है जोन ऑफ इलोंगेशन, ये जोन ऑफ इलोंगेशन होता है, ये आपका मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, कौन सा होता है मेरिस्टेमेटिक, और ये क्या होता है रूट कैप होता है, क्या होता है रूट कैप होता है, यही आपने पढ़ा होगा। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक सॉरी जो मैच्यूरेशन जोन है, यहीं पर क्या होते हैं टाइनी हेयर्स लाइक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं रूट हेयर्स कहते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, प्लांट कल्चर कंसिस्ट ऑफ हाईली ब्रांच रूट कवर्ड विद द मास ऑफ टाइनी रूट हेयर ओरिजिनेटेड डायरेक्टली फ्रॉम द एक्स प्लांट इन रिस्पॉन्स टू एग्रोबैक्टीरियम टू इन्फेक्शन, नहीं नहीं एक्स प्लांट रिस्पॉन्स टू एग्रोबैक्टीरियम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के कारण यहाँ पर बनते हैं, ठीक है ना। एग्रोबैक्टीरियम आपने पढ़ा होगा, राइजोजिन्स आपने जो लेगुमिनस प्लांट बेसिकली होते हैं वहां पर सबसे ज्यादा ये क्या करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, क्या करते हैं नाइट्रोजन को फिक्सेशन करते हैं, जिसके कारण क्या होता है अमीनो ग्रुप बहुत ज्यादा बनते हैं बेसिकली लेगुमिनस प्लांट में, यानी जो पल्सेस होते हैं दलहन पौधे होते हैं उनमें सबसे ज्यादा ये देखने को मिलते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, डायरेक्ट नहीं आएंगे इन्फेक्शन के थ्रू, ये स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए क्या है बिल्कुल सही है, तो आपको और आने वाले ऑप्शन पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिए तो क्या करा, a relatively new type of plant culture which consists of highly branched root covered with a mass of the tiny root hair originated directly from the X plant response to agrobacterium rhizomes infection। ये नई प्रकार की टेक्निक्स डेवलप की गई है प्लांट टिश्यू कल्चर्स के लिए, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं प्लांट्स को डेवलप करते हैं लेबोरेटरीज के अंदर में। दिस कल्चर कैन इवन ग्रो ऑन सिंपल मीडिया ऑफ द सॉल्ट एंड सुगर, सिंपल सॉल्ट और सुगर के मीडियम इसको हम डेवलप कर सकते हैं। दीज हेयर रूट कैन बी एग्जिस्ट एंड कल्टिवेटेड इनडेफिनेटली अंडर स्टराइल कंडीशन, स्टराइल कंडीशन में यानी फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कंडीशन में इनको हम क्या करते हैं इनका डेवलपमेंट करता है। फीचर ऑफ हेयरी रूट सिस्टम ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस फॉर देयर कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन इज देयर स्टेबल हाई लेवल प्रोडक्शन और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये जो रूट्स वाले सिस्टम है इससे क्या होता है हाई लेवल ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट का फॉर्मेशन होता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट का मतलब होता है जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिव मेटाबोलाइट्स होते हैं, जैसे ग्लाइकोसाइड, एल्कलॉइड, टैनिन्स, टर्पेनोइड, ये रेजिन्स, ये सब, ठीक है। चलिए तो ये आपका टेक्निक है प्लांट टिश्यू कल्चर का, बेसिकली आपको याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर मेथड। लाइकोपोडियम स्पोर मेथड के लिए बताइए, एक तो मैंने आपको बताया पर इंच कितना होता है 94,000 स्पीसीज होते हैं, यह मैंने आपको बताया था, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइकोपोडियम स्पोर मेथड से क्वांटिटी यानी क्वालिटी और क्वांटिटी को क्या करते हैं हम डिटरमाइन करते हैं, क्या करते हैं भाई डिटरमाइन करते हैं। तो बताइए क्या इसका फॉर्मूला है भाई, तो आपने पढ़ा होगा एनएम अपॉन समर, है ना, एनएम अपॉन क्या है समर है, ठीक है ना। समर का जो गाड़ी नंबर है वो क्या है एनएम 94,000 है, यही मैंने आपको याद करवाया था, समर करके एस एम आर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो क्या है परसेंट ऑफ प्योरिटी ऑफ ड्रग में क्या हो जाएगा, तो एन एन इंटू यानी नंबर आपका है, वेट आपका इंटू 94,000 ये स्पीसीज हो गए आपका स्पीसीज, एंड आपका एम इंटू आर इंटू 100 वाला, ये आपका क्या होगा सही होगा, ठीक है ना।
तो ऑप्शंस बी यहां पर क्या होंगे, करेक्ट आंसर होंगे। याद करने वाला पार्ट यहां पर समझने का पॉइंट है नहीं, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट आपका आंसर बता दिया। याद कीजिए क्या है भाई, तो एस है नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, डब्ल्यू है आपका वेट ऑफ लाइकोपोडियम, एस आपका नंबर ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर आपका है, एम यहां पर सिंपल वेट है, और आपका पी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल प्रेजेंट इन द पर एमजी ऑफ ड्रग। ये क्या है, क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी टेक्निक्स है, याद रखेंगे क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी टेक्निक्स है, जिसको हम लाइकोपोडियम स्पोर मेथड कह रहे हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है, ये बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, तो यूज फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ पॉड ड्रग लाइक क्लोव, जिंजर, कार्डमम, नटमेग, अम्बेलीफेरस फ्रूट, इन सब में बेसिकली इनके क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए, यानी कि क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको यूज करते हैं। साइज ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर इज 25 माइक्रोनमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 94,000 स्पोर पर एमजी आपको मिलेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। पॉड ड्रग इज इवैल्यूएटेड बाय द टेक्निक इफ इट कंटेन्स वेल डिफाइंड पार्टिकल्स, इनको इसके लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये तीन चार लाइन जो मैंने आपको बताया ना, क्वेश्चन आपको फार्माकोग्नोसी में मिलते हैं यहाँ से, कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए कौन सा टेक्निक यूज करते हैं, तो आपको याद रखना है लाइकोपोडियम स्पोर मेथड याद रखना है, आपको याद रखना है बेसिकली ग्लाइकोसाइड वगैरह में इनको क्या करते हैं, यूज करते हैं इनको चेक करने के लिए, अल्कलॉइड वगैरह को भी, ठीक है ना। एग्जांपल दिया गया है, साइज ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर का कितना है, 25 माइक्रोमीटर, यह भी क्वेश्चन है। ऑन एन एवरेज पर एमजी पाउडर ऑफ लाइकोपोडियम में कितने स्पीसीज मिलेंगे, तो 94,000 आपको मिलेंगे, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन चार पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जी, मैच द फॉलोइंग अंडर स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ द सीड कॉलम वन विद द एग्जांपल अंडर द कॉलम टू एंड चूज द करेक्ट आंसर। अच्छा चलिए, यहाँ पर हमें सीड से रिलेटेड कॉलम वन और कॉलम टू को ये करना, तो एरिल, क्रोनकल, स्ट्रोफिल और एरिलोड, बताइए एरिल क्या है भाई, तो ये बेसिकली कार्डमम, नटमेग, क्रोटन आपका थोड़ा हो जाएगा, क्रोनकल, चलिए बताइए जल्दी से, क्रोनकल आपका कार्डमम हो जाएगा आपका, तो ऑप्शंस यहां पर क्या हो जाएंगे, डी सही होंगे, ठीक है ना। यानी एरिल आपका जो है वो क्या है जी, आपका नटमेग में आपको मिलेंगे जो सबसे बाहर का होता है, कैरंकल जो आपके प्रेजेंट होते हैं ये आपको कहां पर है, क्रोटन्स में है, स्ट्रोफ्यूल्स जो होते हैं वो आपको बेसिकली कहां पे देखने को मिलेंगे, दतुरा में, और आपका एरिलोड कहां पे है, कार्डामम में। एक बार देख लेते हैं इन सबको, ठीक है ना। तो देखिए एरिल ये है नटमेग में, ये जो स्ट्रक्चर्स आपको टफ स्ट्रक्चर्स है उसको हम क्या कहते हैं, एरिल कहते हैं। तो सकलेंट ग्रोथ फ्रॉम द हाइलम, हाइलम आपने पढ़ा होगा कि ओवरी से ओब्यूल्स जब अटैच होते हैं, एम्ब्रायो सैक जिसको हम कहते हैं, फीमेल की मैं बात कर रहा हूँ, फीमेल फ्लावर्स की बात कर रहा हूँ, तो ओवरी से जब ओब्यूल्स अटैच होते हैं तो तीन लेयर मिलते हैं, क्या क्या मिलते हैं, तो प्लासेंटा जो नियर टू ओवरी होता है, और एक मिलता है फ्यूनिकल, और एक मिलता है हाइलम। हाइलम क्या होता है, नियर टू ओब्यूल, है ना, नियर टू ओब्यूल क्या होते हैं, हाइलम या हिलम भी इसको पढ़ते हैं, और प्लासेंटा क्या होता है, नियर टू ओब्री, बीच में कनेक्टिंग पार्ट क्या होता है, फ्यूनिकल होता है, तीन पार्ट होते हैं। तो ये एरिल जो है, ये जो आपका हाइलम है, ये किसके नजदीक होगा, ओब्यूल, और ओब्यूल आगे जाकर के क्या बनाएगा, सीड बनाएगा, और ओबरी आगे जाकर क्या बनाते हैं, फ्रूट बनाते हैं। तो ये सीड के नजदीक जो है वो क्या हो जाएगा आपका, हाइलम से जो डेवलप होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, एरिल कहते हैं। अरिस्टा आपको याद रखना है, स्टीफ ब्रिस्टल लाइक अपेंडिजेस है आपका, अरिस्टा इसको हम कहते हैं, जो आपको दिख रहा है। करंकल मतलब इट इज अ वैटरी आउटर ग्रोथ फ्रॉम द माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइलर एंड होता है, माइक्रोपाइलर एंड जहां से क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स एंटर करते हैं। आपने पढ़ा होगा एम्ब्रायो सैक में दो एंड होते हैं, एक माइक्रोपाइलर एंड होते हैं और एक चलाजा एंड होते हैं। माइक्रोपाइलर एंड पे एक एग सेल होता है और दो सिनर्जिड सेल होते हैं, चलाजा एंड पे आपने पढ़ा होगा कि तीन सेल होते हैं जिसका नाम है एंटीपोलर सेल, और बीच में क्या होता है, पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल सेल कहते हैं। यही होता है क्या, तो जो एक सेल जहां है फीमेल का, तो वहां पर क्या होता है, मेल गैमेट पोलन ट्यूब के थ्रू क्या करते हैं, जिस भी ओपनिंग से एंटर करते हैं उस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। वो क्या करते हैं, एक सेल के साथ फर्टिलाइज करते हैं, जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जायगोट बनेगा, उसके बाद फिर एक मेल गैमेट एंटर करता है और किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ क्या करता है, फर्टिलाइज करता है, ट्रिप्लॉइड बनते हैं, जिसको हम डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव प्रोसेस होता है प्लांट के केस में, बेसिकली एंजियोस्पर्मी प्लांट और जिम्नोस्पर्म यानी हायर प्लांट के केस में। तो वहां पर क्या चलता है, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूसेलस बनते हैं, जिसको हम बाद में कहते हैं कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। वो एंडोस्पर्म जायगोट को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जायगोट आगे जाकर के एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से क्या बनाता है, सीड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। तो यहां पर उसी की बात कर रहा है कि आउटर ग्रोथ जो है वो माइक्रोपाइल है, उस माइक्रोपाइल की मैंने बात बताया आपका क्या है जी, स्ट्रोफिलोड क्या, इनलार्ज फ्यूनिकल। फ्यूनिकल्स क्या होते हैं, तो एम्ब्रायो सैक के आउटर लेयर होते हैं, दो होते नहीं, फ्यूनिकल, फ्यूनिकल मतलब आपका प्लासेंटा और हाइलम के बीच का जो पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूनिकल कहते हैं। तो ये फ्यूनिकल क्या है, दतुरा, फेस्टिगोसा और कॉल्चिकम सीड में देखने को मिलता है हेयर। तो जिप्सियम, कैलोट्रोपिन्स आर एग्जांपल ऑफ द आउटर ग्रोथ ऑफ हेयर, आउटर हेयर्स जो है। एरिलोड है ऑरिजिन फ्रॉम द माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइलर एंड से ही ऑरिजिन होते हैं एरिलोड्स का, ठीक है ना, ये एरिलोड है आपके कार्डमम्स वगैरह में।
ठीक है। चलिए ये आपका सिंपल सा एक क्वेश्चन था। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड द असर्शन, असर्शन और रीजन है जी, क्या है भाई असर्शन में? तो ट्रायगाकांथ डू नॉट हैव सेलुलर स्ट्रक्चर, ट्रायगाकांथ के पास क्या सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होते हैं? बिल्कुल भी नहीं होते हैं सर, ये बिल्कुल सही है। दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द पार्ट ऑफ अ प्लांट बाय द सम प्रोसेस ऑफ द एक्सट्रैक्शन एंड फॉलोड बाय द प्यूरिफिकेशन इन लाइट ऑफ द एवब स्टेटमेंट। क्लियर हो गया? तो दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट बाय द बाय सम प्रोसेस ऑफ द एक्सट्रैक्शन एंड फॉलोड बाय द प्यूरिफिकेशन। ऑब्वियस उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसके बाद प्यूरिफाइड किया जाता है। तो ट्रायगाकांथ बिल्कुल ये दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए ये कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि उनको इस मेथड से क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो बोथ ए एंड आर इज द करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑप्शंस, यानी कि ऑप्शन ए, इसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी, ये क्वेश्चंस भी इजीली आपको सॉल्व हो गए होंगे। तो ऑप्शन ए यहां पर क्या होगा जी स्टूडेंट, करेक्ट आंसर होगा। क्या करा है? तो ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स की बात की जाए तो ऑर्गेनाइज्ड मतलब मैंने आपको बताया था, लीव से, फ्रूट से, बार्क से, सीड से, रूट से, फ्लावर, राइजोम्स, वुड, इन सब से जो बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड कहते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड मतलब ड्राइड जूस होगा, फैट, गम्स, रेजिन्स, वैक्स, ड्राइड लैटेक्स वगैरह से बनते हैं, यानी जो ऑर्गन से नहीं डेवलप होते, अदर देन ऑर्गन से डेवलप होते वो अनऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। क्लियर हो गया? जिनको हम एक्सट्रैक्ट कहते हैं, प्लांट एक्सट्रैक्ट करके उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्टेन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन जहां पर आपको डाउट था, टोटल 13 क्वेश्चन में आपको डाउट था, उन 13 क्वेश्चन को हम लोग फिर से क्या कर रहे हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग जीन्स ट्रांसफर टेक्निक बेस्ड ऑन द शॉर्ट इलेक्ट्रिक पल्स ऑफ द हाई फील्ड स्ट्रेंथ टू प्रमोट डीएनए अपटेक बाय द प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट मतलब सेल वॉल लेस जो सेल होते हैं, यानी वैसे सेल जिनमें वॉल प्रेजेंट नहीं होता, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। यहां पर आपको याद रखना है, ठीक है, स्पिनोप्लास्ट ग्राम नेगेटिव के केस में और प्रोटोप्लास्ट ग्राम पॉजिटिव के केस में, ऐसा कुछ टर्म्स है, एक बार उसको देख लेना। तो कौन सा टेक्निक्स यूज होगा भाई जीन को आपको इंसर्ट कराने के लिए? तो इलेक्ट्रोपोरेशन, माइक्रो इंजेक्शन, सिलिकॉन कार्बाइड विस्कर और बायोलिस्टिक जीन ट्रांसफर। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था, ये तो आपको याद करना है चीजों को, है ना, यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं, इसको आपको देखना और इसका सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोपोरेशन टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जीन ट्रांसफर टेक्निक है जो शॉर्ट इलेक्ट्रिक पल्स और हाई फील्ड स्ट्रेंथ प्रमोट करता है डीएनए को अपटेक करने के लिए, अपटेक यानी वापस लेने के लिए किसमें, प्रोटोप्लास्ट में। तो यहां पर बायोलिस्टिक ट्रांसफर, द डीएनए बम्बार्डेड इनटू द सेल, सेल के अंदर में बम्बार्ड किया जाता है डीएनए बायोलिस्टिक डिवाइस के थ्रू, यूज फॉर द इंटैक्ट टिश्यू, इंटैक्ट टिश्यूज के लिए यूज होते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड विस्कर्स, ये क्या, नीडल शेप क्रिस्टल्स है। सॉल्यूशंस पीईजी यानी कि पॉलीसाइलिन ग्लाइकोल सॉल्यूशंस में इसको यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोपोरेशन बेस्ड ऑन द शॉर्ट इलेक्ट्रिक पल्स ऑफ हाई फील्ड स्ट्रेंथ, शॉर्ट इलेक्ट्रिक पल्स ऑफ हाई फील्ड स्ट्रेंथ टू प्रमोट डीएनए अपटेक बाय द प्रोटोप्लास्ट, ठीक है ना, प्रोटोप्लास्ट के थ्रू इसको क्या करता है, डीएनए को प्रमोट करता है अपटेक को। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइक्रो इंजेक्शन, तो माइक्रो कैपिलरीज एंड माइक्रोस्कोपिक डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर डिलीवर डीएनए इनटू द प्रोटोप्लास्ट। मोस्ट प्रिसाइज टेक्निक, बहुत प्रिसाइज टेक्निक है, बहुत बहुत अच्छी टेक्निक है और प्रिसाइजली इसको परफॉर्म कराना होता है। इसमें क्या करते हैं, एक इंजेक्शन के थ्रू बेसिकली क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू डीएनए को। जीन ट्रांसफर बाय यूजिंग केमिकल एजेंट, तो पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल इज द मोस्ट कॉमन, इट एक्ट द इंक्रीजिंग द परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। द ऑप्टिमल कंसेंट्रेशन ऑफ पीजी आर 15-20%, ऑप्टिमल जो कंसेंट्रेशन है पीजी का वो क्या है, 15-20% है। तो ये आज का क्वेश्चन था जी, जो आपको डाउट्स थे टोटल 13 क्वेश्चन में, उनको मैंने आपको क्या करा दिया स्टूडेंट, सॉल्व करा दिया। थोड़ा सा क्लासेस फास्ट हुई लेकिन आई होप आपने इस क्लास को इंजॉय किया होगा और जो ट्रिक्स मैंने आपको दिया है उन ट्रिक्स को आप थोड़ा सा याद रखेंगे। इन शॉर्ट में मैंने आपको बहुत सारी चीजें कवर कराने की कोशिश की। सो एवरीवन, चलिए देखते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के क्या क्या क्वेश्चंस थे जो कि आपको इस वीकली टेस्ट में देखने को मिले थे। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, एथाइल मिथाइल विनाइल एमीन हैज द स्ट्रक्चर, जो एथाइल मिथाइल विनाइल एमीन होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो देखो जरा, एथाइल ग्रुप क्या होता है आपको पता है, C2H5 ग्रुप। नेक्स्ट आप बात करो मिथाइल ग्रुप, दैट इज CH3 ग्रुप। और विनाइल ग्रुप क्या होता है, देखो CH डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप। ये आपके ग्रुप्स जब भी लगे हुए होंगे किसी अमीन मींस नाइट्रोजन के साथ में, तो वही आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे इसका बनाएगा। तो चलो देखते हैं क्या क्या ग्रुप्स लगे हुए हैं। यहाँ देखते हैं आप, ये क्या लगा हुआ है, ये एथाइल ग्रुप है, ठीक है, ये मिथाइल है। अगर ये विनाइल होगा तो आपका ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। बट यहाँ ध्यान से देखो, इतना विनाइल होता है बट उसके साथ में अगर एक CH2 ग्रुप लगता है तो इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका कहलाता है एलाइल ग्रुप। ये क्या होता है, देखो ये एलाइल ग्रुप होता है, तो ये तो आपका यहाँ पे नहीं होने वाला है, ये तो रॉन्ग है। फिर आप देखो, ये है एथाइल, ये है मिथाइल, हाँ ये विनाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ तीनों ही आपके करेक्ट मिल रहे हैं। तो ये बी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या था, करेक्ट था। यहाँ विनाइल विनाइल मिथाइल हो गया, यहाँ मिथाइल मिथाइल विनाइल हो गया, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे क्या था, करेक्ट आंसर यहाँ पे
हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया हुआ था द थर्ड मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ एल्कीनाइन, एल्कीनाइन फैमिली का थर्ड मेंबर क्या होगा, थर्ड मेंबर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा गया हुआ था। तो देखो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं एल्कीन आइन, मींस आप कोई ऐसा ग्रुप बनाओ जहां पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ सकते हो। तो देखो अगर हम इसके पहले मेंबर की बात करते हैं, जो इस फैमिली का पहला मेंबर होगा वो कुछ ऐसा देखने में मिलेगा आपको, करेक्ट है ये पहला, इससे छोटे कार्बन की चेन में आप एल्कीन आइन्स को फॉर्म नहीं कर सकते हो। सो ये क्या है आपका, देखो इस फैमिली का पहला मेंबर है। सेकेंड मेंबर में क्या होगा, एक सी एच टू ग्रुप, एक आपका सी एच टू ग्रुप ऐड हो जाएगा और ये सेकेंड मेंबर हो जाएगा। थर्ड मेंबर मतलब एक और सी एच टू ग्रुप ऐड कर दो, ये क्या हो गया, थर्ड मेंबर हो गया। तो थर्ड मेंबर जो होगा वहां पे इसमें दो सी एच टू ग्रुप्स ऐड कर दो, वही इसका क्या होगा, एल्कीनाइन्स का थर्ड फैमिली मेंबर होगा। तो देखो जरा क्या होगा इस समय फॉर्मूला, आपसे फॉर्मूला पूछा गया हो तो अभी इसमें क्या है, देखो 1 2 3 4 फोर कार्बन हो गए और 5 6 6 टोटल हो जाएंगे कार्बन। हाइड्रोजन काउंट करो जरा, देखो 2 3 4 और यहां पे कितने हैं, 4 + 2 6 6 + 2 8 मींस हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो एल्कीनाइन्स का जो थर्ड फैमिली मेंबर होगा वह क्या होगा आपका, C6H8 उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा। देखो सी ऑप्शन में आपको C6H8 देखने को मिल रहा है, तो सी ऑप्शन आपका क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलो देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड यहां पे नहीं है। चलो देखो सबसे पहले क्या था, एसीटोनाइट्राइल, ये एसीटोनाइट्राइल तो नहीं दिख रहा है, यहां पे तो ऑलरेडी 3 कार्बन हो चुके हैं तो एसीटोनाइट्राइल का केस तो रह ही नहीं गया। क्यों, क्योंकि देखो नाइट्राइल का जो कार्बन होता है वो आप अपने पेरेंट चेन में काउंट कर सकते हो, तो यहां पे तो आपके टोटल 3 कार्बन हो गए, ये एसीटो तो नहीं हो सकता है, नॉट करेक्टली मैच, तो ये पहला ही नॉट करेक्ट है। नेक्स्ट एलाइल क्लोराइड, हाँ जी ये देखो क्या है आपका, एलाइल ग्रुप है, अभी अभी आपने देखा और इसमें एक क्लोरीन लगा हुआ है, एलाइल क्लोराइड करेक्ट है। सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप, सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप CH3CH और एक ये CH3 लगा हुआ है उसके बाद, ओके ये देखो आप ये सेकेंडरी ब्यूटिल आपका इतना ग्रुप क्या है, सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप दिख रहा है यहाँ पे 2 डिग्री। इथिलीडीन क्लोराइड, इथाइलीडीन क्लोराइड, चलो ठीक है ये भी आपका हो गया। तो आप देखो आप पाओगे यहाँ पे पहला ही वाला करेक्टली मैच तो नहीं है, सो ए ऑप्शन ही आपका यहाँ पे क्या हो गया, ए ऑप्शन ही आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट मैच्ड है और वही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन था करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इस कंपाउंड का करेक्ट IUPAC नेमिंग क्या होगा। देखो SO3H ग्रुप लगा हुआ है, आयोडीन लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और ब्रोमीन लगा हुआ है। सो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपके SO3H ग्रुप की है, मींस नंबरिंग आपका फर्स्ट कार्बन यहाँ से होगी, फिर क्योंकि ये सभी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर देना चाहोगे, 1 के बाद 2 ये हो जाएगा, 3 यहाँ हो गया, 4 ये हो गया, 5th ये हो गया। तो है तो ये क्या, साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोपेंटेन सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। साइक्लोपेंटेन सल्फोनिक एसिड के बाद देखो 2 पर लगा है आयोडो ग्रुप, 3 पर लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप और 5 पर लगा हुआ है ब्रोमो ग्रुप। लिखते समय आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाओगे तो 5 ब्रोमो, फिर आप बात करते हो 2 आयोडो, 3 मिथाइल पेंटे साइक्लोपेंटेन और सल्फोनिक एसिड। तो चलो देखो यहाँ पे ऐसा कहीं मिल रहा है क्या, सबसे पहले आएगा 5 ब्रोमो, यहाँ 3 में 5 ब्रोमो आ रहा है, मतलब ये रॉन्ग है। 5 ब्रोमो के बाद आपको 2 आयोडो लगाना है, 2 आयोडो तो ये रॉन्ग हो गया, देखो ये रॉन्ग हो गया, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 2 आयोडो 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन सल्फोनिक एसिड। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 sp sp फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की ओर आपको जाना है और आपको यहाँ पे बताने हैं। तो देखो जरा सबसे पहले हम देखते हैं इसमें ये क्या है, देखो कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp2, ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा sp2। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, sp हो जाएगा। नाइट्रोजन देखो
नाइट्रोजन के पास में क्या है, एक लोन पेयर है। हमने बोला था हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपका एक यहां लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास में, और नाइट्रोजन ने एक क्या रखा होगा यहां पे, सिग्मा बॉन्ड होगा। सो ये भी क्या हो गया, एसपी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है यहां नाइट्रोजन भी। यही तो आपसे पूछा गया है ना, sp2 sp2 sp sp। हाँ जी, तो आपको ए ऑप्शन तो करेक्ट मिल रहा है, बाकी जल्दी से देख लो, ट्रिपल बॉन्ड है तो ये तो sp हो गया, ये भी sp हो गया, ये भी sp हो गया, ये भी sp हो गया, ये तो सभी sp हैं। यहाँ डबल बॉन्ड था, ठीक है sp2। ये आप देखो, लेकिन ये कार्बन के पास में क्या है, इधर एक सिग्मा, इधर एक सिग्मा बस, क्योंकि बाकी पाई है, तो ये क्या है sp हो गया, ये भी sp हो गया, ये sp2 हो गया। और इसका देखो, ये sp2 है, ये sp2 है, यहाँ sp2 है, ये भी sp2 है, क्योंकि सिर्फ डबल बॉन्ड्स ही थे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, आपके क्वेश्चन में जो पूछा गया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग इज, माइनस आई इफेक्ट का डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया हुआ है। NH3 पॉजिटिव, फिर आप बात करते हो NO2 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है CN और COOH, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन है। तो देखो हमने क्या बोला था, पॉजिटिव चार्ज अगर कभी आता है किसी नाइट्रोजन, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन पे आया हुआ है, तो हमने क्या बात की थी कि आपका न्यूट्रल नाइट्रोजन के कंपैरिजन में पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन की माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई नेचर क्या होगा, बहुत हाई हो जाता है। तो यहाँ आप देखोगे, वैसे भी हमने आप अगर याद हो तो कुछ बातें की थी NF3 पॉजिटिव, फिर हमने बात की थी NR3 पॉजिटिव, हमने बात की थी NH3 पॉजिटिव, याद है। तो यहाँ पे हमने बोला था क्या होगा, ये आपका सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई होंगे, फिर आपके नाइट्रोजन के न्यूट्रल वाले आएंगे लाइक NO2 हो गया, ठीक है ना। तो ये सब बाद में आते हैं। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो यहाँ पे दिख रहा है वो किसका दिख रहा है, वो हमको दिख रहा है NH3 पॉजिटिव का, क्योंकि उसके बाद नाइट्रोजन न्यूट्रल है, फिर तो कार्बन आ गया, कार्बन की तो आपकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन से कम हो गई और फिर कार्बोक्सिलिक हो गया, चलो ठीक है ये। तो सबसे ज्यादा माइनस आई किसका होगा, फर्स्ट वाले का ही होगा, फिर आपका NO2 का होगा, फर्स्ट के बाद सेकंड। तो देखो फर्स्ट कहाँ कहाँ पे है, ये रॉन्ग करो, ये रॉन्ग करो, इन दोनों में से कोई एक करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड, चलो बहुत बढ़िया। फिर आप देखते हो ओके, ये दोनों ऑप्शन तो सेम ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये दोनों तो ऑप्शन सेम ही दिख रहे हैं, है ना। फिर क्या है, सी एन का ही आएगा, करेक्ट है, फिर आपका कार्बोक्सिलिक का आएगा। तो हाँ, फर्स्ट और थर्ड दोनों ऑप्शन सही है यहाँ पे, तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट दिख रहे हैं, तो ए और सी बोथ आर करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, ए और सी बोथ आर करेक्ट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये भी सी भी आपका करेक्ट है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पे इनकरेक्ट है। CF2 इज मोर स्टेबल देन CCl2, यहाँ पे क्या पूछा गया हुआ, इनकरेक्ट पूछा गया हुआ, चलो ठीक है। तो CF2 इज मोर स्टेबल देन CCl2, करेक्ट है। CCl2 इज मोर स्टेबल देन CBr2, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे जो आता है ऑर्डर आता है वो क्या होता है, CF2 आएगा, फिर क्या होगा आपका CCl2 आएगा, फिर आपका आएगा CBr2 आएगा, और उसके बाद आपका आएगा CI2 आएगा। तो ये आपका क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो हाँ ये भी सही है, सिंगलेट CH2 इज मोर स्टेबल देन ट्रिपलेट CH2। रुको, क्या सिंगलेट वाला इन्होंने बोला ज्यादा स्टेबल है ट्रिपलेट वाले के कंपैरिजन में, बट एक बात बताओ, हमने क्या बोला था, ट्रिपलेट के केस में दोनों आपके जो ऑड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स में होते हैं। तो आपको पता है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होती है, आपका पहले सभी ऑर्बिटल्स में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि सिंगलेट ज्यादा स्टेबल है, सिंगलेट में तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपने एक ही ऑर्बिटल में प्लेस कर दिए हैं, तो नहीं, ये तो इनकरेक्ट हो गया ना। ट्रिपलेट वाली आपकी क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है, तो ये क्या है आपका, ये आपका इनकरेक्ट है। सिंगलेट CH2 हैज प्लेनर ज्योमेट्री, हाँ जी, सिंगलेट वाली क्या होती थी, प्लेनर होती थी, ट्रिपलेट वाली क्या होती थी, लीनियर होती थी। तो हाँ ये भी आपका करेक्ट है, लेकिन यहां आपसे इनकरेक्ट पूछा गया हुआ था, तो आपका सी वाला जो है स्टेटमेंट, ये क्या है, इनकरेक्ट हो जाएगा। सी स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट, मतलब वही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है, लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन अमंग्स द फॉलोइंग इज, लीस्ट स्टेबल आपसे पूछा गया हुआ है। देखो यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और 2 डिग्री भी है, फिर यहाँ देखते हो ये भी क्या है आपका, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है ना। ये देखो रेजोनेंस मिल रहा है इधर भी और इधर, दोनों तरफ ही रेजोनेंस हो रहा है,
ये आपका रेजोनेंस की कंडीशन दिखी रही थी। यहां बात करते हो ये, अच्छा चलो इसको छोड़ो, ये क्या है 2 डिग्री है, सिर्फ 2 डिग्री, यहां कोई रेजोनेंस नहीं है। कुछ लोग यहां भी बोलेंगे कि हाँ यहां भी आपका स्टेबिलिटी आ सकती है, तो आप बोलोगे सबसे लीस्ट आप लोग के नजर में दिख रहा होगा कि ये वाला है क्योंकि यहां रेजोनेंस दिख रहा होगा कुछ लोगों को, बट नहीं, यहां एक अलग फिनोमिना होता है। देखो एक रूल आपको पढ़ना है, दैट इज ब्रेट्स रूल। ब्रेट्स रूल का कहना है कि आपको अगर 8 कार्बन की साइकिल से लेस मिल रही है, 8 साइकिल की रिंग से कम की अगर रिंग मिल रही है, तो आप कभी भी जो ब्रिज्ड, ये देखो ब्रिज्ड कार्बन है ना, ब्रिज्ड कार्बन, तो ब्रिज्ड कार्बन पर कभी आपको पॉजिटिव चार्ज नहीं देना होता है। ब्रिज्ड कार्बन को आप sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं कर सकते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज नहीं कर सकते, क्योंकि sp2 का मतलब क्या है, प्लेनर होना, और अगर ये प्लेनर हो गया ये कार्बन, तो अगर ये प्लेनर है तो ये जो रिंग दिख रही है वो तो सब एक प्लेन में होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या होता है, ये वाली जो आपका है इसमें से थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ रहा होता है, तो ये वाला सबसे लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन हो जाएगा, सी वाला आपका सबसे लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन में आएगा, तो सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, लीस्ट स्टेबल आपका ये होगा अकॉर्डिंग टू ब्रिट्स रूल, ब्रिट्स रूल ये आपका कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अमंग्स द अमीन, अमीन्स के बारे में यहां देखो क्वेश्चन है, ये क्या है, देखो एनिलीन है C6H5NH2, यहां आपने लगा दिया NH2, C6H5NH2 हो गया, फिर क्या है मिथाइल अमीन है CH3NH2, ओके, फिर क्या था आपका, फिर आपका था डाइमिथाइल, ओके डाइमिथाइल अमीन है CH3H, लोन पेयर हो गया यहां पे, यहां पर भी हो गया लोन पेयर, यहां पर भी हो गया लोन पेयर, और क्या है नेक्स्ट है आपका ट्राइमिथाइल, ठीक है जी ट्राइमिथाइल फोर्थ वाला है, तो यहां पर लगा देते हैं CH3 और लोन पेयर, ओके। द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इन एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम में बेसिसिटी पूछी गई है, मींस डिग्री ऑफ सॉल्वेशन की बात की जा रही है, एक्वस मीडियम की बात हुई है, तो याद करो जरा हम लोगों ने इसके बारे में क्या देखा था, एक्वस मीडियम में जो 3 डिग्री आपका नाइट्रोजन होता है वो क्या होता है, उसका डिग्री ऑफ सॉल्वेशन कम होता है, आपका गैसियस में तो सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए ड्यू टू प्लस आई नेचर, 3 मिथाइल का प्लस आई नेचर से आपका सबसे बढ़िया बेस होना चाहिए, कौन सा आपका टर्शरी अमीन, बट डिग्री ऑफ सॉल्वेशन एक्वस मीडियम में घट जाती है, मींस ये वाला आपकी बेसिसिटी सेकेंडरी और प्राइमरी से भी कम हो जाती है। चलो तो यहां का तो ऑर्डर हमको पता है इन तीनों में, कि इन तीनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा आपका 2 डिग्री वाला आना चाहिए, नंबर देख लो अच्छा कौन कौन सा है, 2 डिग्री वाला कितने नंबर पे है, 2 डिग्री वाला आपका आ रहा है थर्ड, ओके तो थर्ड वाला सब होना चाहिए इनमें से, इन तीनों में सबसे ज्यादा बेसिक थर्ड वाला होना चाहिए, फिर आपका फर्स्ट नहीं सेकेंड होना चाहिए, और फिर आपका होना चाहिए फोर्थ, तो ये तो हमको पता है 3, 2, 4, इधर देखो 3, 2, 4 कहाँ कहाँ मिल रहा है, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, यहाँ पे तो कहीं ऐसा दिख रहा है क्या, कहीं ऐसा दिख रहा है 3, 2, 4 वाला कंडीशन, 3, 2, 4 नहीं मिल रही अभी क्या हमें, ऐसे कैसे 3, 2, अच्छा ये है ना देखो 3, 2, 4 यहाँ मिल रहा है, बाकी तो और कहीं नहीं मिल रहा है, ठीक है बाकी तो कहीं नहीं मिल रहा, तो ये तो ऐसे ही करेक्ट हो रहा है, देखो ए वाला, इसके बारे में और थोड़ा सा लेकिन जानते हैं, देखो अब इसके बारे में क्या है, देखो यहां नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये क्या हो रहा है, ये आपका डीलोकलाइजेशन कर रहा है, ये रेजोनेंस कर रहा है आपका इस बेंजीन रिंग के साथ में, तो जो लीस्ट बेसिक होते हैं वो आपके ये आ जाएंगे। वैसे भी हमने बोला था कि आपके जो एरोमेटिक एमीन्स होते हैं वो आपके एलिफेटिक एमीन्स से लेस बेसिक होते हैं, क्योंकि वहां नाइट्रोजन का क्या होता है लोन पेयर्स का डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेशन की वजह से वो लेस अवेलेबल होते हैं डोनेट होने के लिए, तो इस वजह से आपकी ये जो एरोमेटिक एमीन है एनिलीन है इसकी बेसिसिटी क्या होगी, कम होगी इन तीनों के कंपैरिजन में, इन तीनों एलिफेटिक एमीन्स के कंपैरिजन में, तो आपका 3 सबसे ज्यादा होगा, फिर 2 होगा, फिर 4 होगा, और इसके बाद कहीं फर्स्ट आएगा, तो सबसे ज्यादा देखो 3 फिर 2 फिर 4 और फिर फर्स्ट, तो ए ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट हो जाएगा, ए होगा आपका यहां पे करेक्ट बेसिसिटी का ट्रेंड जो देखने को मिलेगा। आपका अमोनिया से ज्यादा बेसिक होते हैं आपके कौन से एल्किल एमीन्स, और एल्किल एमीन्स आपके बेसिसिटी, फिर आप एल्किल और एरोमेटिक का कंपैरिजन करते हो तो आप पाते हो कि एरोमेटिक एमीन्स की बेसिसिटी कम होती है एल्किल एमीन्स से, क्योंकि वहां नाइट्रोजन के लोन पेयर डीलोकलाइज्ड होते हैं।
नेक्स्ट देखो द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द एनायंस, एनायंस की डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी बताना है। देखो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है यहाँ पे एनायन, यहाँ पे क्या है 3 डिग्री कार्बन आयन है, यहाँ क्या है 2 डिग्री कार्बन आयन है, यहाँ क्या है 1 डिग्री कार्बन आयन है। तो कार्बन आयन के केस में हमने देखा यहाँ सिर्फ एक प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, चलो ठीक है थोड़ा ही बहुत डिस्टेबलाइज कर रहा है, ज्यादा डिस्टेबलाइजेशन बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज हो रहा है। तो आपका इन तीनों का ऑर्डर क्या हो गया भाई, सबसे ज्यादा आपका थर्ड वाला स्टेबल है, इसके बाद आपका सेकेंड वाला हुआ और इसके बाद आपका फर्स्ट वाला हुआ। अब फोर्थ वाले के बारे में क्या ख्याल है, देखो यहां आपका क्या है, यहां तो आपका जो कार्बन है वो तो क्या कर सकता है, कार्बन का जो निगेटिव चार्ज है वो तो रिंग में डीलोकलाइज्ड हो सकता है, रेजोनेट कर सकता है, कॉन्जुगेशन में है क्योंकि कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है। तो यहां वाला तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा कार्बन आयन, मींस फोर्थ वाला थर्ड वाले से भी ज्यादा बेटर स्टेबलाइज्ड पाओगे आप। तो इस वजह से आप पाते हो कि 4-3-2-1 का ऑर्डर आना चाहिए, 4-3-2-1 सी ऑप्शन देखो यहां आपको था, सी ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एसिडिटी, एसिडिटी का यहां पे इंक्रीजिंग ट्रेंड आपको बताना था। देखो क्या क्या थे यहां पे ऑप्शंस, क्या क्या थे आपके लिए ऑप्शंस, थे आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फिर क्या था मिथेनॉल, इथेनॉल और फिर क्या था आपका एस्टर ग्रुप। तो देखो यहाँ पे आपका क्या है, जो कार्बोक्सिलिक है वो तो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, फिर आपकी बात आई कि एस्टर्स का क्या सीन होगा। तो देखो एस्टर्स जो होते हैं वो आपका कैसे बनते हैं भाई, ये तो आपका एसिड और आपका जो एल्कोहल इन दोनों का रिएक्शन से बनते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये तो एस्टरीफिकेशन रिएक्शन एक तरह से कह सकते हो आप यहाँ पे, कि ये क्या होता है आपका, ये आपका एसिड और अल्कोहल से बना हुआ एक यहाँ पे कंपाउंड होता है। तो ये क्या होते हैं, इनकी एसिडिटी जो होती है वो काफी कम होती है अल्कोहल्स के कंपैरिजन में जब आप जाते हो। तो आपका पीके वैल्यू जो आती है, जो इसकी हमने बात करते हैं कि जिसकी पीके वैल्यू कम होती है उसकी एसिडिटी ज्यादा होती है, तो आपका जो पीके वैल्यू होती है वो कार्बोक्सिलिक की कहीं आसपास आती है 4 के। इनकी बात करते हो अल्कोहल्स की, तो अल्कोहल्स की आती है आप बात करते हो 15 से 20 के बीच में, और फिर बात करते हो अगर आप एस्टर्स की, तो एस्टर्स की तो आपकी 25 प्लस होती है, प्लस 25 पी के वैल्यूज आती हैं। तो यहाँ जो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा आपका होगा कार्बोक्सिलिक का, फिर आपका मिथेनॉल होगा, फिर आपका इथेनॉल होगा और फिर आपका क्या होगा, एस्टर होगा। तो ये आपका ए ऑप्शन जो दिख रहा है यही करेक्ट है, ए ऑप्शन ही आपका करेक्ट है, सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक है, फिर आपका मिथेनॉल है, फिर इथेनॉल है और फिर आपका एस्टर ग्रुप होगा। हाँ तो सिर्फ यही एक इकलौता करेक्ट ऑप्शन है, बाकी तो और नहीं दिख रहे हैं। तो हाँ जी आपका ए ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट क्या है, द इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम इन द कार्बन चेन प्रोड्यूसेस प्लस आई इफेक्ट। देखो जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है वो कार्बन चेन में प्लस आई नहीं बल्कि कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, ये इनकरेक्ट है। कार्बोनियम आयन हैज प्लेनर स्ट्रक्चर, जो कार्बोनियम आयन मीन्स कार्बोकेटायन की बात हो रही है, कार्बोनियम मतलब कार्बोकेटायन, तो क्या कार्बोकेटायन प्लेनर स्ट्रक्चर्स के होते हैं, हाँ जी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो ये तो आपका सही है स्टेटमेंट। एल्किल एमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया ड्यू टू माइनस आई। देखो हमने अभी अभी बोला भी कि ये जो अमोनिया है अमोनिया से ज्यादा अच्छे बेस होते हैं एल्किल एमीन्स, क्यों, क्योंकि ये जो R ग्रुप है ये क्या करता है, प्लस आई नेचर शो करता है और प्लस आई नेचर शो करने की वजह से नाइट्रोजन पे लोन पेयर की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो और अच्छी बढ़ रही होती है। सो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट से शो होता है ना कि माइनस आई इफेक्ट से, ये भी क्या हो जाएगा देखो इनकरेक्ट है, ये भी क्या है इनकरेक्ट है, चलो हटाओ इसे। फिर क्या था, बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड बिकॉज, जो बेंजोइक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है एसिटिक एसिड से, बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है एसिटिक एसिड से, करेक्ट है। बिकॉज C6H5 ग्रुप प्रोड्यूसेस मोर प्लस आई इफेक्ट, एक मिनट क्या बोला आपने,
कि जो C6H5 है वो ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करता है मिथाइल ग्रुप के कंपैरिजन में? नहीं, C6H5 ग्रुप क्या करता है? माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, और माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करने की वजह से वो क्या कर सकता है, कार्बेनायन या फिर जो भी आपका वहां एनायनिक स्पीशी बन रही है उसको ज्यादा बेटर स्टेबलाइज्ड कर सकता है, और जिस वजह से आप पाते हो कि जो C6H5 है वो क्या करेगा, उसको ज्यादा अच्छा एसिड बनाता है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका यहां पे इनकरेक्ट हो जाएगा, प्लस आई ना होकर के माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। सो यस, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो सिर्फ और सिर्फ हमको दिख रहा है क्यू ऑप्शन जो आपका है सिर्फ यही करेक्ट है, बाकी PRS3 के तीनों ही क्या होते हैं यहां पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स दिए गए हुए हैं। सो देखो जरा कहां ऐसा हमको ऑप्शन मिल रहा है, ओनली क्यू इज करेक्ट, PQR करेक्ट, S नहीं, सभी तो बिल्कुल भी नहीं है, PQR एंड S ना, QRS ट्रू, नो, क्यू इज ट्रू बट PRS इज फॉल्स। हाँ जी, डी ऑप्शन आपका यहां पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट है, ये हुआ आपका यहां पे। सो ये थे डियर आपके किसके, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के जो भी क्वेश्चंस थे आपके वीकली टेस्ट में। आगे के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको आप लोग कंटिन्यू करिए। आई होप यहां पे जो भी क्वेश्चंस थे आपने सभी बिल्कुल करेक्ट किए हो। थैंक यू ऑल। चलिए दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं हमारे टेस्ट का इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है फार्मास्यूटिक्स, उसके क्वेश्चंस पर बात करने वाले हैं, उनके क्वेश्चंस के आंसर्स और उनके एक्सप्लेनेशन पर बात करने वाले हैं। तो चलिए, क्वेश्चंस जो आपके इससे पहले क्वेश्चन दूसरे सब्जेक्ट्स के आपने कंप्लीट कर लिए होंगे, बहुत अच्छे से उनका एक्सप्लेनेशन हो गया होगा, और अब हम देखते हैं फार्मास्यूटिक्स का सेक्शन। अब फार्मास्यूटिक्स में क्वेश्चन नंबर 38 से स्टार्ट हो रहा है फार्मास्यूटिक्स सेक्शन। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन द फोर्थ एडिशन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, द फोर्थ एडिशन ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड अंडर द चेयरमैनशिप इन। सबसे पहले बात है कि चेयरमैनशिप किसके अंडर में ये आपका फोर्थ एडिशन पब्लिश हुआ, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन से ईयर में पब्लिश हुआ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको सबसे पहले इंडियन फार्माकोपिया जो पब्लिश हुआ था ईयर 1955, सेकंड एडिशन 1966, थर्ड एडिशन 1985 और फोर्थ एडिशन 1996, 55, 66, 85, 96। क्लियर? तो यहां पर फोर्थ एडिशन के बारे में बोला गया है, तो फोर्थ एडिशन मतलब 1996। तो देखिए एक ही ऑप्शन है जिसमें 1996 दिखाई दे रहा है आपको, कौन सा? ऑप्शन ए। तो आप यहां से भी क्लियरली आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन 96 का नहीं है, ओनली वन ऑप्शन है किसका, 96 का। और यहां पर जो इनकी चेयरमैनशिप थी, मींस इसकी कमेटी जो फार्माकोपिया जो बनाते हैं उसका जो चेयरमैनशिप, एक पूरी कमेटी बनती है उसका एक डेफिनेट एक चेयरमैन होता है, चेयरपर्सन होता है, उसके अंडर गाइडेंस में ये पूरा सब कुछ काम होता है। तो उस समय फोर्थ एडिशन जो 1996 में आया था उसके लिए चेयरमैनशिप का काम संभाला था डॉक्टर नित्यानंद जी ने। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होने वाला दोस्तों, ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। चलिए दूसरे एडिशंस के बारे में भी बात करते हैं, उनके चेयरमैन्स के बारे में भी बात करेंगे, और इंपॉर्टेंट उनके सप्लीमेंट्स को भी देखते हैं। यहां पर देखते हैं कि फर्स्ट एडिशन, अभी तक हमारे पास कितने एडिशन आ चुके हैं दोस्तों, 9th एडिशन आ चुके हैं, इनमें से फर्स्ट एडिशन 1955, सेकंड एडिशन 1966, फर्स्ट एडिशन 1955, 1955, सेकंड एडिशन 1966, थर्ड एडिशन 1985, टू वॉल्यूम्स में था, पहले जो आपके थे फर्स्ट और सेकंड एडिशन थे वो सिंगल वॉल्यूम में थे। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड एडिशन के बाद जैसे ही थर्ड एडिशन आया 1985 वो दो वॉल्यूम्स में था, फोर्थ एडिशन 1996 वो भी टू वॉल्यूम्स में था, अब जब 2007 में फिफ्थ एडिशन आया वो थ्री वॉल्यूम्स में आने लगा, फिर उसके बाद 2010 में सिक्स्थ एडिशन आया वो भी थ्री वॉल्यूम में था, उसके बाद आया ईयर 2014 सेवन्थ एडिशन जो कि फोर वॉल्यूम में था, उसके बाद एट्थ एडिशन आया 2018 में जो कि फोर वॉल्यूम में था, अभी रिसेंटली जो हाल ही 9th एडिशन आया वो भी फोर्थ वॉल्यूम्स में है 2022 में जो आया। अब देखिए फर्स्ट एडिशन की चेयरमैनशिप का काम संभाला था बीएन घोष ने, सेकंड एडिशन के लिए मुखर्जी साहब ने, बी मुखर्जी ने इसके चेयरमैनशिप का काम संभाला था 1985 में डॉक्टर नित्यानंद, 1996 में डॉक्टर नित्यानंद और 2007 में नित्यानंद। तो नित्यानंद जी देखिए सबसे ज़्यादा जो फार्माकोपिया की कमेटी की चेयरमैनशिप का काम देखा है सबसे ज़्यादा नित्यानंद जी ने देखा है,
बी नित्यानंद जी ने, कौन कौन, डॉक्टर बी नित्यानंद 1996, 1985 और 2007। उसके बाद आपका 2010 में गुलाम नबी आजाद, और 2014 में भी गुलाम नबी आजाद, और ये 2018 में पी के प्रधान, और अभी रिसेंट में जो 2022 का जो एडिशन आया वो डॉक्टर मनसुख मांडविया की चेयरमैनशिप में आया है। तो हमें याद रखने हैं, इनकी चेयरमैनशिप को भी हमें याद रखना है। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। आर रिलेटिव क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट फॉर लेस देन वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट इन द टर्म इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव टर्म्स। अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया कुछ डिस्क्रिप्टिव टर्म दिए गए थे जो कि आप लोगों ने पढ़े भी होंगे बहुत क्लियरली। वेरी सॉल्युबल, फ्रीली सॉल्युबल, सॉल्युबल, स्प्रिंगली सॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल और प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल। इस तरीके के कुछ वर्ड्स आप लोगों ने पढ़े भी होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला टेबल जो स्टार्ट होती है लेस देन वन पार्ट से स्टार्ट होती है। किससे होती है दोस्तों? लेस देन वन पार्ट ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड टू डिजॉल्व वन ग्राम ऑफ सॉल्यूट। तो टेबल जो यहाँ से स्टार्ट होती है इस क्वांटिटी से, तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड पर जो टर्म लिखा रहता है वो लिखा रहता है आपके पास वेरी सॉल्युबल। क्या लिखा रहता है दोस्तों? वेरी सॉल्युबल। तो हमें याद रखना है। उसके बाद 1 to 10 पार्ट रिक्वायर्ड टू डिजॉल्व 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, फ्रीली सॉल्युबल। 10 to 30 पार्ट रिक्वायर्ड टू डिजॉल्व 1 ग्राम ऑफ सॉलिड कॉल्ड सॉल्युबल। 30 to 100 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड टू डिजॉल्व 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड द स्पेरिंगली सॉल्युबल। यस, ये सारे वर्ड्स आप लोगों ने पढ़े होंगे। देखिए, वेरी सॉल्युबल लेस देन वन पार्ट, फ्रीली सॉल्युबल 1 to 10 पार्ट, सॉल्युबल 10 to 30 पार्ट, एस्पायरिंगली सॉल्युबल 30 to 100 पार्ट, स्लाइटली सॉल्युबल 100 to 1000 पार्ट, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल 1000 to 10,000 पार्ट्स, और प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल मोर देन 10,000 पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड टू डिजॉल्व 1 ग्राम ऑफ सॉलिड। यस, आगे चलते हैं। द वॉल्यूम 1 and 2 ऑफ द ब्रिटिश फार्माकोपिया डिस्क्राइब दी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40, द वॉल्यूम 1 and 2 ऑफ द ब्रिटिश फार्माकोपिया डिस्क्राइब द मेडिसिनल सब्सटेंसेस। ए ऑप्शन, बी फॉर्मुलेटेड प्रिपरेशंस, ऑप्शन सी ब्लड रिलेटेड प्रिपरेशन, एंड ऑप्शन डी इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। तो करेक्ट आंसर दोस्तों हमारे पास, जैसे कि आप लोगों ने ब्रिटिश फार्माकोपिया पढ़ा भी होगा, थोड़ा सा उसके बारे में देखा भी होगा, तो करेक्ट आंसर क्या आपका? मेडिसिनल सब्सटेंसेस। क्या होता है दोस्तों? मेडिसिनल सब्सटेंसेस। तो यहाँ पर कुछ ये टेबल बनी हुई है, इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि वॉल्यूम फर्स्ट और सेकंड में क्या दिया गया था, वॉल्यूम थर्ड में क्या दिया गया। हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम फर्स्ट और सेकंड में पूछा गया था तो मेडिसिनल सब्सटेंसेस के बारे में बताया गया था। वॉल्यूम थर्ड फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेटेड प्रिपरेशन, ब्लड रिलेटेड प्रिपरेशन, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, सर्जिकल मटेरियल और होम्योपैथिक प्रिपरेशन के बारे में। वॉल्यूम फोर्थ जो था वो आपके अपेंडिसिस और इंफ्रारेड रेफरेंस स्पेक्ट्रा और इंडेक्सेस था। वॉल्यूम फिफ्थ ब्रिटिश फार्माकोपिया वेटनरी था, और वॉल्यूम सिक्स ब्रिटिश फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया वेटनरी एंड ब्रिटिश अप्रूव्ड नेम्स। ये सीडी रोम वर्जन है जो वॉल्यूम सिक्स के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर चेंज इन द डोजेस फ्रॉम इनकंपेटेबिलिटी। इनकंपेटेबिलिटी का क्वेश्चन है यहाँ पर। PQRS 4 हमारे पास स्टेटमेंट है, इन स्टेटमेंट के हिसाब से हमें करेक्ट क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन पी क्या कहता है? चेंज इन द ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी। क्या इनकंपेटेबिलिटी के दौरान ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी में चेंजेस आते हैं? जी हाँ, बिल्कुल चेंजेस आते हैं। स्मेल बदल जाती है, कलर बदल जाता है, टेस्ट बदल जाता है, सारी चीजें। तो पी तो एकदम से करेक्ट हो गया। पी तो दोस्तों एकदम से क्या हो गया? करेक्ट हो गया। चेंज इन दी डिजोल्यूशन परफॉर्मेंस, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ड्रग की फिजिकल, केमिकल, थेरेप्टिक तीनों प्रॉपर्टी बदलती है इनकंपेटेबिलिटी, तो ऑब्वियस सी बात है डिजोल्यूशन परफॉर्मेंस भी चेंज होगा। तो ये क्यू भी सही है। यहां पर फॉल्स पूछा है, क्वेश्चन में दिमाग में रखिए क्या फॉल्स पूछा गया है। इंक्रीज इन दी पोटेंसी, ये संदेहास्पद है। इंक्रीज इन दी पोटेंसी, पोटेंसी इंक्रीज कभी नहीं होती, इनकंपेटेबिलिटी में डिक्रीज ही होगी, बढ़ेगी नहीं। डिक्रीज इन दी डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, ये भी दोस्तों गलत हो रहा है। क्यों? डिग्रेडेशन प्रोडक्ट इंक्रीज होता है इनकंपेटेबिलिटी में, अनवांटेड रिएक्शन से डिग्रेडेशन प्रोडक्ट क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर ये जो है हमें थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, तो हम ऑप्शन देखते हैं। आर और एस दोनों ही गलत हो रहे हैं, तो आर और एस किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी में। किस ऑप्शन में दोस्तों? ऑप्शन डी में। तो मतलब करेक्ट आंसर क्या होने वाला? डी होने वाला, क्योंकि ये दोनों तो देखिए, ये दोनों तो होते होते हैं, लेकिन इन दोनों का उल्टा लिखा हुआ है। यहां पर अगर होता डिक्रीज इन पोटेंसी तो सही हो जाता है, इंक्रीज इन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट तो सही हो जाता है, यहां पर उल्टा दिया हुआ है। तो इसलिए आर और एस टोटल तरीके से क्या है? फॉल्स है। इसलिए करेक्ट आंसर दोस्तों हमारे पास क्या होने वाला? आंसर डी होने वाला है। चलिए,
तो क्या क्या चेंजेस होते हैं, चेंज इन द ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी, डिजोल्यूशन परफॉर्मेंस में चेंज आ जाएगा, फिजिकल फॉर्म कन्वर्जन हो जाएगा, पोटेंसी में डिक्रीज हो जाएगा और डिग्रेडेशन प्रोडक्ट में इंक्रीज हो जाएगा, ये किस में आपका इनकम्पेटिबिलिटी में शो होंगी सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप फिटेड विद अ हॉट स्टेज, यस हॉट स्टेज इज अ यूजफुल, ये किसके बारे में बात कर, हॉट स्टेज माइक्रोस्कोपी के बारे में बात कर रहे हैं। द पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप फिटेड विद अ हॉट स्टेज इज अ यूजफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर द इन्वेस्टिगेटिंग पॉलीमॉर्फिज, मेल्टिंग पॉइंट, ट्रांजिशन टेम्परेचर एज वेल एज रेट ऑफ ट्रांजिशन एट कंट्रोल्ड हीटिंग रेट्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। हॉट स्टेज माइक्रोस्कोपी का जो पर्पज किया जाता है, यूज करते हैं हम पॉलीमॉर्फिज्म के इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज करते हैं, सूडो पॉलीमॉर्फिज्म के लिए यूज करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन के लिए करते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर की फाइंडिंग्स के लिए करते हैं, और साथ ही साथ आपका कंट्रोल रेट से, रेट ऑफ ट्रांजिशन आप कंट्रोल रेट से देख सकते हैं इसके थ्रू। यस, ये करेक्ट है बिल्कुल। तो स्टेटमेंट वन तो ये करेक्ट हो गया, तो मेरे ख्याल से स्टेटमेंट वन इज फॉल्स, ऑप्शन बी में है, और स्टेटमेंट डी में, ऑप्शन डी में स्टेटमेंट वन इज फॉल्स, तो मतलब बी और डी तो ऑप्शन हो नहीं सकते। अब इसमें से क्या होगा, ए और सी में से होगा, बी और डी तो बिल्कुल नहीं हो सकते ये आंसर। क्या नहीं हो सकते दोस्तों? ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते। अब इनमें से हमें सिलेक्ट करना है दोनों में से। हॉट स्टेज माइक्रोस्कोपी इज अ फ्यूजन टेक्निक वेयर बाय अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम ऑफ मटेरियल इज स्प्रेड ऑन अ माइक्रोस्कोप स्लाइड विच इज देन प्लेस्ड ऑन द हॉट स्टेज एंड हीटेड। ये बड़ा संदेहास्पद है, इतनी ज्यादा क्वांटिटी हम यूज नहीं करते। कितनी? 1 ग्राम क्वांटिटी हम यूज नहीं करते। कितनी क्वांटिटी यूज करते हैं हम? 1 मिलीग्राम क्वांटिटी यूज करते हैं। कितनी दोस्तों? 1 मिलीग्राम क्वांटिटी यूज करते हैं। तो स्टेटमेंट टू गलत हो गया, तो यहां पर ऑप्शन ए तो होगा नहीं, क्योंकि यहां पर स्टेटमेंट वन तो ट्रू है लेकिन टू ट्रू नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी आप गलत ले रहे हैं। तो यहां पर जो सही आंसर हमारे पास निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है ऑप्शन सी, स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। इसलिए आंसर क्या होगा दोस्तों? सी इज द करेक्ट आंसर। यस, तो यहां पर सब कुछ सही है, बिल्कुल करेक्ट है जो मैंने आपको बताया, बस क्वांटिटी आपको 1 मिलीग्राम यूज करना था 1 ग्राम की जगह, तो स्टेटमेंट टू भी सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर इज ऑप्टेंड बाय द एक्सट्रापोलेशन ऑफ। तो यहां पर बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि ट्रांजिशन टेम्परेचर आपको, फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर एक पॉलीमॉर्फ का दूसरे पॉलीमॉर्फ में या एक फॉर्म का दूसरे फॉर्म में जो कन्वर्जन होता है उसको फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं, और जो फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर उसको डिटरमाइन करने के लिए आप किस इक्वेशन की हेल्प यूज करोगे। देखिए, हेंडरसन हेजलबैच इक्वेशन आपका आयनाइजेशन को, परसेंटेज आयनाइजेशन को बताता है, पीएच और पीके के कोरिलेशन को बताता है, तो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता। नोएस-विटनी इक्वेशन डिजोल्यूशन रेट को बताती है, तो ये नहीं हो सकता। आरएनएस इक्वेशन आपके आपके डिग्रेडेशन काइनेटिक्स को बताती है, टेम्परेचर का इफेक्ट रेट ऑफ डिग्रेडेशन पर या चेंजिंग पर क्या होता है उसको बताती है, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास सही जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? वांट हॉप प्लॉट। क्या निकल के आएगा दोस्तों? वांट हॉप प्लॉट। चलिए, तो इस वांट हॉप प्लॉट को देखते हैं, पहले करेक्ट आंसर देखते हैं, करेक्ट आंसर वांट हॉप प्लॉट, और करेक्ट इसमें देखते हैं कि वांट हॉप प्लॉट हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। इसको लॉग मोलर सॉल्युबिलिटी वर्सेस लॉग मोलर सॉल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, उसका एक्स्ट्रा प्लॉटेशन करेंगे, तो आपको ट्रांजिशन टेम्परेचर फाइंड आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रांजिशन टेम्परेचर फाइंड आउट हो जाएगा एक्स्ट्रापोलेशन से। एक्स्ट्रा पोलेट करोगे आप किसका, आपका ग्राफ किस किस के बीच, मोलर सॉल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर, तो उस पर आपको ट्रांजिशन टेम्परेचर बहुत ईजी वे में फाइंड आउट हो जाएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लैकमैन से लिया गया क्वेश्चन है, लैकमैन की टेबल दोस्तों अगर ढंग से पढ़ोगे तो ये आपको वैसे ही बन जाएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कुछ मटेरियल दिए गए हैं, उनकी फ्लो प्रॉपर्टी दी गई है। तो मटेरियल है ऑप्शन पी सेलोटेप, फेयर पॉसिबल, स्टारएक्स 1500, एक्सेलेंट, मैग्नीशियम स्ट्रेट पुअर, और टाइटेनियम डाइऑक्साइड वेरी पुअर, ये फ्लोएबिलिटी दी गई है। तो यहाँ पर हमने मैच द करेक्ट पेयर करना है। तो अकॉर्डिंग टू लैकमैन टेबल अगर आप देखोगे तो सेलोटेप जो होता है वो एक्सेलेंट फ्लो शो करता है, स्टारएक्स फेयर पॉसिबल शो करता है, मैग्नीशियम स्ट्रेट का फ्लो पुअर होता है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड वेरी पुअर होता है। तो इसके हिसाब से देखें, पी फर्स्ट कहाँ पर हो रहा है, सॉरी पी सेकेंड किस में हो रहा है, इन तीनों में हो रहा है, तो मतलब ये तो ऑप्शन होगा नहीं। फिर उसके बाद क्यू हमारा क्या है, क्यू फर्स्ट किस में हो रहा है, इसमें हो रहा है, सी क्यू फर्स्ट R3S4, ये हमारे पास ऑप्शन निकल के आ रहा है जो हमने
टिक किया है उसके हिसाब से, तो टिक किया है उसके हिसाब से हमारे पास जो आंसर निकल के आ रहा है वो सी आंसर निकल के आ रहा है। चेक करते हैं हम सी आंसर क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है। चलिए करेक्ट आंसर सी है और ये इसकी जो वैल्यू से हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये लेकवन में टेबल है, लेकवन से लिया गया टेबल को। सेलेटअप की कंप्रेसिबिलिटी 11% होती है, फ्लोबिलिटी एक्सीलेंट होती है, 11% कंप्रेसिबिलिटी, फ्लोबिलिटी एक्सीलेंट। तो यहाँ पर क्या है कि जो फ्लोबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी जितनी कम होगी फ्लोबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। एम को प्रेस की 15% एक्सलेंट फ्लो, स्टार एक्स की 19 कंप्रेसिबिलिटी फेयर पॉसिबल होता है, लैक्टोज मोनोहाइड्रेट की भी 90 होती है, ये भी फेयर पॉसिबल होता है। अब मेजर स्टार्च पर पहुंचते हैं, इसकी जो परसेंटेज कंप्रेसिबिलिटी होती है 26 से 27 होती है, पुअर फ्लोएबिलिटी आ गई। डाई कैल्शियम फॉस्फेट डाईहाइड्रेट की भी 27 होती है, ये भी पुअर कैटेगरी में आएगा। मैग्नीशियम स्टेरेट 31 होती है, ये भी पुअर कैटेगरी में आएगा, मतलब परसेंटेज कंप्रेसिबिलिटी 31 पुअर कैटेगरी में। टाइटेनियम डाइऑक्साइड 34, ये वेरी पुअर में पहुंच जाएगा। डाई कैल्शियम फॉस्फेट डाईहाइड्रेट फाइन, ठीक है, डाई कैल्शियम फॉस्फेट डाईहाइड्रेट कोर्स की कैसी होती है, पुअर, और डाई कैल्शियम फॉस्फेट डाईहाइड्रेट फाइन की वेरी वेरी पुअर होती है, और टेल्क 49 वेरी वेरी पुअर। तो याद रखने फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ाते हैं, इनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, देखो आपने देखा और टेल्क और ये आपका मैग्नीशियम स्टेट फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ाते हैं, लेकिन खुद अगर इनकी फ्लो प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, क्योंकि इनकी परसेंटेज कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है, तो अकॉर्डिंग टू कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स इनकी फ्लो प्रॉपर्टी कैसी होती है बेटा, पुअर होती है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, डिटर्मिनेशन द करेक्शन और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजंस आर इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ पीएच मैक्स कैन हैव अ क्रिटिकल इन्फ्लुएंस ऑन द डिसॉल्यूशन रेट ऑफ द सॉल्ट, यस असर्शन बिल्कुल सही है, पीएच वैल्यू, पीएच मैक्स वैल्यू, वह पीएच होती है डिसॉल्यूशन मीडियम की, इस पर मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी होती है, और ये ऑब्वियसली बात है कि डिसॉल्यूशन रेट को, ठीक है ना, अफेक्ट करेगी सॉल्ट की। द पीएच ऑफ द डिसॉल्यूशन मीडियम कैन कॉज कन्वर्जन ऑफ अ सॉल्ट बैक टू द फ्री एसिड और बेस, ये जी हाँ बिल्कुल सही है कि डिसॉल्यूशन मीडियम की सॉल्युबिलिटी जब चेंज होती है तो एक पीएच मैक्स की कट ऑफ, पीएच मैक्स वैल्यू एक तरीके से कट ऑफ वैल्यू रहती है, इसके ऊपर या इसके नीचे जाने पर सॉल्युबिलिटी में डेफिनेटली चेंज आता है। सॉल्ट जो सॉल्ट होता है फ्री एसिड या फ्री बेस में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर फ्री एसिड और फ्री बेस आपका सॉल्ट में कन्वर्ट हो सकता है। तो मतलब ऑब्वियसली बात है कि पीएच के इन्फ्लुएंस में सारी प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, जी हाँ। दूसरा, बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन या करेक्ट रीजन फॉर द असर्शन, ऑप्शन सी। ए असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट रीजन फॉर द ए, बोथ ए एंड आर मतलब असर्शन रीजन दोनों फॉल्स। तो हमारे जो असर्शन रीजन के स्टेटमेंट के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहां पर जो आंसर हमारे पास होने वाला है वो आंसर होने वाला है दोस्तों ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन या करेक्ट रीजन फॉर द असर्शन। चलिए इसको देखते हैं, आंसर भी हमारे पास आ गया, करेक्ट आंसर है। तो यहां पर देखेंगे पीएच मैक्स के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों पीएच मैक्स क्या होता है। तो पीएच मैक्स इज द पीएच एट विच द सॉल्ट हैज इट्स मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी। तो पीएच मैक्स वह पीएच होती है मीडियम की जिस पर सॉल्ट अपनी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी शो करता है, उसको बोलते हैं पीएच मैक्स, ठीक है। तो यहां पर बात करें पीएच ऑफ द डिसॉल्यूशन मीडियम चेंज, यदि मान लीजिए क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि सॉल्ट हम क्यों बना रहे हैं, ही वीक एसिड या वीक बेस के सॉल्ट बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी सॉल्युबिलिटी पर क्या इंपैक्ट होता है, पीएच का इंपैक्ट होता है। तो जैसे पीएच ऑफ द डिसॉल्यूशन मीडियम चेंज करते हैं, डिसॉल्यूशन मीडियम की पीएच चेंज करते हैं तो सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी भी चेंज हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको हमें याद रखना है। जैसे कि यहां पर देखें पीएच मैक्स को यदि हम एक कट ऑफ वैल्यू टाइप की मान के चले, मतलब इस पर मैक्सिमम होगी, ठीक है, तो यहां पर अगर मान के चले पीएच मैक्स को, तब द पीएच ऑफ द डिसॉल्यूशन मीडियम इज बिलो द पीएच मैक्स, यदि मान लीजिए डिसॉल्यूशन मीडियम की पीएच, ठीक है, पीएच मैक्स से कम होगी, तो यहां पर क्या होगा, जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो लेस सॉल्युबल होगा और डिसॉल्यूशन रेट विल बी स्लोअर। मतलब पीएच मैक्स से कम वैल्यू होने पर किसकी, पीएच की वैल्यू, ठीक है ना, पीएच की वैल्यू अगर कम है किससे, पीएच मैक्स से, तो आपका सॉल्ट फॉर्म लेस सॉल्युबल फॉर्म में होगा। यदि डिसॉल्यूशन मीडियम की पीएच पीएच मैक्स से ज्यादा है तो आपका सॉल्ट फॉर्म ज्यादा सॉल्युबल होगा और डिसॉल्यूशन रेट आपकी फास्ट होगी। तो डेफिनेट सी बात है कि कहीं ना कहीं पीएच और पीएच मैक्स में कोरिलेशन होता है, अबव द पीएच मैक्स मोर सॉल्युबिलिटी, बिलो द पीएच मैक्स लो सॉल्युबिलिटी, यस। इसका रीजन क्या है,
तो जो डिसोल्यूशन मीडियम का पीएच रहता है वो क्या करता है, सॉल्ट को तो आपको फ्री एसिड या फ्री बेस में कन्वर्ट करने के लिए इंस्पायर कर सकता है आपका पीएच ऑफ डिसोल्यूशन मीडियम, जिसके कारण सॉल्युबिलिटी में चेंजेस आते हैं। जैसे बात करें वीक एसिड का सॉल्ट आपने प्रिपेयर किया, ठीक है ना, वीक एसिड का सॉल्ट आपने प्रिपेयर किया तो इसका जो सॉल्युबिलिटी होगी, इसकी सॉल्युबिलिटी कब होगी, कुछ पीएच पर ज्यादा होगी, बिलो इट्स पीके वैल्यू, याद रखना किसके, ये पीएच मैक्स नहीं बोले, पीके वैल्यू के कम वैल्यू पर, मतलब पीके वैल्यू जो भी रहेगी। वीक एसिड का सॉल्ट आपने प्रिपेयर किया, वीक एसिड का आपने स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट साथ में सॉल्ट प्रिपेयर किया, ये कब ज्यादा सॉल्युबल होगा, जब इस पीएच की वैल्यू, मीडिया की पीएच की वैल्यू पीके ड्रग की पीके की वैल्यू से क्या होगी, कम होगी, क्योंकि यहां पर क्या होगा, फ्री एसिड फॉर्म, जो फ्री एसिड फॉर्म होगा इस पीएच पर ज्यादा स्टेबल होगा, इस पीके पीएच पर ज्यादा स्टेबल होगा इस डेफिनेट ड्रग, इस पीके वैल्यू वाली ड्रग का, इस पीके वैल्यू वाले ड्रग के ड्रग का जो फ्री एसिड होगा इस पीएच पर ज्यादा स्टेबल होगा, तो मतलब उसका सॉल्ट ज्यादा सॉल्युबल होगा। देखिए फ्री एसिड फॉर्म स्टेबल हो रहा है लेकिन सॉल्ट लेस स्टेबल होगा इसलिए ज्यादा सॉल्युबल होगा। यदि मान लीजिए पीएच अबव द पीके या पीके से कोरिलेशन निकाल रहे हैं, देखिए पीएच की वैल्यू यदि पीके से ज्यादा है तो सॉल्ट फॉर्म जो होगा मोर स्टेबल होगा और लेस सॉल्युबल होगा, और फ्री एसिड या बेस फ्री एसिड फॉर्म होगा वो लेस स्टेबल होगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। जब पीएच की वैल्यू पीके से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो सॉल्ट फॉर्म लेस सॉल्युबल होगा मतलब मोर स्टेबल होगा, जबकि फ्री एसिड फॉर्म ज्यादा सॉल्युबल होगा एंड लेस स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि यदि मान लीजिए पीएच अबव है, पीएच क्या है, अबव है आपकी पीके वैल्यू से, पीएच इज ग्रेटर देन पीके, तो कौन सा फॉर्म ज्यादा सॉल्युबल होगा, आपका फ्री एसिड फॉर्म, ठीक है, ज्यादा सॉल्युबल होगा, और पीएच इज लेस देन पीके, तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, आपका